पावन धरा पर स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है। लाखों नगरी हमेशा इस महान व्यक्तियों के स्वागत के लिए अतुर होती है। इसका परिचय सभागार में गूंज रही है, तालियां दे रही है। तालियों की बौछार से महाराज श्री का आगमन हो रहा है। हम सब के लिए आनंद का क्षण है। पूज्य महाराज जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कृपया आप सभी स्थानापन्न होवें। महाराज जी व्यास मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भावसुंद्र सागर महागणवामुखाग्नि श्री रंगराजन चरणांबुज मूलदासा श्री विष्णुलोक मणिमन्त्रमार्गदायी रामानुजो अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन आप सभी का। सर्वप्रथम व्यास गद्दी पर विराजमान जगत गुरु परम श्रद्धेय डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज की सेवा में अपने शीश को नवाकर आप सभी युवा साथियों को मैं प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल बाहेती धूत तथा पुलपाड़े परिवार की ओर से मनपूर्वक आप सभी का शब्द सुमनों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी का यह परम सौभाग्य है कि आज गुरुवाणी आप सभी को प्रेरित करने वाली है। हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता गिरते हुए दीवार के साये में खड़ी है। इस अत्यधिक प्राचीन हिंदू संस्कृति धरोहर को संभाल कर रखना अब युवाओं का कर्तव्य है। युवा जब मन में ठान ले तो क्या कुछ नहीं होता। जो पर्वतों से टकराए उसे युवान कहते हैं, जो पर्वतों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराए उसे युवान कहते हैं। जब तक आप जागरूक हैं, कौन कहता है कि वतन की आबरू खतरे में है। जब तक लाली लहू के एक एक कतरे में है। मैं इस हाउ टू बैलेंस मॉडर्न लाइफ इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम पूज्य महाराज श्री से परिचित होने वाले हैं। ज्ञान तपस्वी स्वामी जी हमें पुरातन संस्कृति एवं आधुनिकता के बीच कैसे संतुलन रखना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। आइए इस सुंदर से समारोह की शुरुआत हम राष्ट्रगीत से करेंगे। राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सभी को खड़े रहना है और राष्ट्र वंदना करनी है। समारोह के प्रमुख ज्ञान महर्षि डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को स्वागत पर माल्यार्पण करने के लिए हमारे समाज सेवी मित्र भाई योगेश जी करवा को मैं आमंत्रित करता हूं।
सभागार से निवेदन कि जब महाराज श्री का माल्यार्पण हो रहा है तब तालियों से भी हम उनका स्वागत करने वाले हैं। बहुत इस कथा के यजमान एवं लातूर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अजय जी पुटपाड़े पूज्य महाराज जी का परिचय एवं प्रास्ताविक सभागार के सामने प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर अजय जी पुटपाड़े। सर्वप्रथम मैं श्री राम भगवान को वंदन करता हूं और साथ ही मैं जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी को भी नमन करता हूं। आज मैं आपके सामने स्वामी जी का अल्प परिचय तथा इस कार्यक्रम के पीछे क्या योजना है, उद्देश्य क्या है, ये आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, इन विषयों के अभ्यासक उन्हीं विषयों में रुचि रखते हैं, ना कि शैक्षणिक अभ्यासक्रम में। किंतु स्वामी जी डॉक्टर राघवाचार्य जी इसके अपवाद है। बचपन से ही वेदों के गाढ़े अभ्यासक रहते हुए उन्होंने एमए पीएचडी का अभ्यासक्रम पूर्ण किया है, वह भी बनारस के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जैसी संस्था से स्वर्ण पदक का विजेता होकर। अनेक वर्षों तक उन्होंने अयोध्या स्थित सरकारी कॉलेज में संस्कृत विषय पढ़ाया है और साथ में ही अपनी वाणी से धर्म प्रसार भी करते रहे हैं। सन 2017 में काशी विद्वत परिषद द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर स्वामी जी का सम्मान किया गया और उनकी योग्यता सनातन धर्म के प्रति अगर निष्ठा को देखते हुए उन्हें सन 2010 में उम्र के केवल 36वें वर्ष में जगत गुरु की पदवी से भी सम्मानित किया गया। अब मैं आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। आज की युवा पीढ़ी एक अजीब दौर से गुजर रही है। आधुनिकता के साथ और विज्ञान के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके साथ हम कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति भूल रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि भारतीय संस्कृति में और हमारे माता पिता हमें कुछ चीज़ें बताते हैं तो हमको लगता है कि इसमें कोई शास्त्र नहीं है, हम उसको थोतांड कहते हैं, हमको लगता है कि ये सब चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक आधार क्या है, इस बारे में स्वामी जी का गाढ़ा अभ्यास है और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आपको आज वो भारतीय संस्कृति में विज्ञान कहाँ छुपा है ये आपको समझाएंगे तथा बढ़ती हुई आधुनिकता के साथ अध्यात्म क्यों और कैसे जोड़ा जाए इस बारे में भी आज वो हमको बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि हम भारतीय संस्कृति भूल रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति, जिसको शायद मैं संस्कृति की जगह पे विकृति कहूँगा, हम आज की युवा पीढ़ी उस विकृति को अपना रहे हैं और उसके वजह से हम बहुत सारी चीज़ें जैसे एकाकीपन, मानसिक और शारीरिक तनाव, पारिवारिक विघटन के भी शिकार हो रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अध्यात्म न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है परंतु हमारे सभी प्रश्नों का तर्कसंगत वैज्ञानिक हल भी देता है। एक जगह पे हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भारत पूरे विश्व के लिए महासत्ता बनने जा रहा है और ये महासत्ता ये आप युवा पीढ़ी के ही हाथ में है कि अपना देश महासत्ता की तरफ जाए या ना जाए। इसके लिए हमें विज्ञान के साथ अगर हम अध्यात्म को जोड़ सके तो हम यकीनन यह महासत्ता का स्वप्न पूरा कर सकते हैं और ये सब चीज़ें हम महाराज की सहज सरल और सुंदर वाणी से हम आज सुनेंगे
मुझे पूरा विश्वास है कि आज के यह 2 घंटे आप सब लोगों की जीवन की दिशा सही दिशा में हम सबको ले जाएगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश जी। हाउ टू बैलेंस मॉडर्न लाइफ, इस विषय पर पूज्य स्वामी जी की कृपा वाणी जब हम पर बरसेगी तब निश्चित ही ज्ञान तथा कर्तव्य की धारा अंतर मन से फूट पड़ेगी। इस वैचारिक तीर्थ यात्रा को आप सब ज्ञान एवं मन की आंखों से डुबकी लगाएं तब आपका जीवन कृतकृत होगा। अंधेरे मिट जाया करते हैं दियों के उजालों से, अंधेरे मिट जाया करते हैं दियों के उजालों से, समाज का निर्माण होता है सिर्फ क्रियाशील हाथों से। आपके हाथों को अधिक क्रियाशील बनाने की चेतना स्वामी जी के विचारोत्तेजक प्रवचन से जाग उठेगी। मैं परम आदरणीय स्वामी जी से नम्र निवेदन करता हूं कि युवाओं को अपनी मुखर वाणी से प्रेरित करें। आदरणीय महाराज श्री विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के लिए समर्पित है। जैसा कि मंच संचालक महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा, भारतीय संस्कृति एवं हमारा सनातन धर्म, इसका विज्ञान से क्या संबंध है और हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है, और आज के इस वैज्ञानिक युग में धर्म की वो महत्वपूर्ण बातें
भारतीय संस्कृति के भी महत्वपूर्ण सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं और कितने उपयोगी हैं, यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आज इस आधुनिक शिक्षा में जहाँ सारी दुनिया विज्ञान के चाचित को, विज्ञान के चमत्कार को देखकर अंधी दौड़ में भाग रही है, ऐसी दौड़ में सम्मिलित बहुत से लोग हैं और बड़े बुद्धिजीवी लोग भी हैं, परंतु विज्ञान, आज का विज्ञान जो बहुत विज्ञान है, बहुत कुछ हमें दिया है और वैज्ञानिक शोध एवं वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर हमने बहुत कुछ पाया ही है, परंतु आज का विज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। अगर विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पर हम विचार करें तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति भारतीय संस्कृति। दुनिया में जब लोग अन्य देशों में कपड़े भी पहनना नहीं जानते थे, उन्हें सामाजिक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं था, तब भारतवर्ष में बड़े बड़े देशों में वेद के विचारों को गाए और वेद के द्वारा अनंत ज्ञान का ऋषियों ने विस्तार किया। वह वैदिक विज्ञान विश्व का सबसे प्राचीन विज्ञान है। आज भी साहित्य के विद्वान इस बात को मानते हैं, मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं, सारे विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति का मूल जो चार वेद हैं वो विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ। वेद से पूर्व विश्व में कहीं भी कोई ज्ञान का संवर्धन करने वाला ग्रंथ नहीं था। वेदों की चर्चा करते हुए थोड़ी सी बात वेद के प्रति हमारी मान्यता क्या है इसकी भी चर्चा कर लें। वेद तो हमारे सनातन धर्म का मूल है, धर्म का मूल है। वो वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, ये प्रथम बिंदु है। वेदों को किसी पुरुष ने नहीं बनाया, ये हमारी सनातन मान्यता है अनादिकाल से। इसीलिए आज तक आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वेद के लेखक का नाम आपको कहीं नहीं मिला होगा। अन्य जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनका कोई लेखक है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, भागवत के रचयिता वेद व्यास हैं, महाभारत के रचनाकार भगवान वेद व्यास हैं, अन्य मत और पंथ के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके भी कोई न कोई रचनाकार है, परंतु वेदों की रचना किसने की आज तक विश्व के किसी भी मानव को इसका इतिहास प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए कभी भी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि ऋग्वेद को किसने लिखा, यजुर्वेद को किसने लिखा, सामवेद को किसने लिखा, अथर्ववेद को किसने लिखा। वेद के लेखक का नाम कहीं भी आज तक प्राप्त नहीं है। उसका मूल कारण यही है कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने की ही है। इसीलिए हमारी संस्कृति में वैदिक परंपरा में वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष की रचना नहीं है। तो फिर वेद आए कहां से? तो हमारी जो मान्यता है जिसको हमने आज तक जीवन रखा है, वो मान्यता ये है कि वेद नित्य है। नित्य का मतलब होता है जिसकी कभी उत्पत्ति न हो उसी को नित्य कहा जाता है।
क्योंकि जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नित्य नहीं होती, वो विनष्ट होती है, क्योंकि उत्पत्ति के साथ विनाश जुड़ा हुआ है। जो चीज बनती है वो बिगड़ती है, जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, जिसका आदि होता है उसका अंत होता है। ये सिद्धांत है फिलोसफी का, दर्शन का। इस दृष्टि से विचार करने पर वेद अनादि है और वेदों का चिंता कोई नहीं है, तो वेद आए कहां से? तो धार्मिक मान्यता के अनुसार, हमारी मान्यता के अनुसार वेद परमात्मा का श्वास है। जिस प्रकार हम अपनी श्वास से जीवित हैं, जब तक हम हैं तब तक हमारी श्वास है, जब तक हमारी श्वास है तब तक हम हैं, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित अन्योन्याश्रय संबंध से उत्पन्न हैं। उसी प्रकार से परमात्मा जो अनादि और नित्य है, उस परमात्मा की जो श्वास भूत ध्वनि है वही चारों वेद है। इसको आचार्य सायण ने अपने शब्दों में कहा, यस्य निस्वतितं वेदा, परमात्मा का श्वास ही वेद। और साधारण लोगों के समझने के लिए मैं बताऊं कि वही परमात्मा श्री राम रूप में अवतार लेते हैं, तो रामायण में तुलसीदास जी ने जो इस प्रसंग का वर्णन किया कि राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरुगृह गए, पढ़त रघुराई, अल्पकार विद्या सब आई। उस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाति सहज श्वास श्रुति जारी, चारों वेद जिसके श्वास हैं वो परमात्मा गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं। एक मर्यादा की स्थापना के लिए जाति सहज श्वास सुविचारी सो हर पढ़ यह कौतुक भाई, ऐसे भगवान पढ़ने जा रहे हैं ये कौतुक। तो कहने का तात्पर्य कि वेद परमात्मा के श्वास रूप नित्य और अनादि, और वेद ही ज्ञान का मूल है। जिन चीजों को हम प्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते, जिन चीजों को हम अनुमान के द्वारा नहीं जान सकते, उन चीजों का ज्ञान वेद के द्वारा हमें प्राप्त होता है। किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए तीन साधन का वर्णन दर्शन शास्त्र में किया जाता है, जिसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के द्वारा ही प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमाणाभ्याम प्रमेय सिद्धि, प्रमाण के द्वारा ही प्रमेय की सिद्धि होती है। किसी चीज को हम जब अपनी इंद्रियों से जानते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं और उसका ज्ञान हमें होता है। दूसरा साधन अनुमान के द्वारा हमें ज्ञान होता है, अनुमान को भी एक प्रमाण स्वीकार किया जाए। अनुमान प्रमाण का रूप ये होता है, जैसे नदी के एक तट पर आप खड़े हैं और नदी के दूसरे तट पर पहाड़ है और उस पहाड़ पर जंगल में धुआं निकल रहा है, आपने धुएं को देखा लेकिन अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही, अग्नि की ज्वाला भी नहीं रही है लेकिन धुआं दिख रहा है। उस धुएं को देखकर आप ये अनुमान करते हैं कि निश्चित रूप से वहां पर आग लगी हुई है। अग्नि आपको नहीं दिखाई पड़ रही है लेकिन धुएं को देखकर उस धूम हेतु के द्वारा अग्नि का आपने अनुमान किया, और अगर हेतु सटीक है, हेतु सही है, तो अनुमान जो है अपने आप में प्रामाणिक होता है। यह अनुमान प्रामाणिक इसलिए होता है कि हम अपने घर में उस हेतु का वस्तु की सिद्धि के साथ संबंध देखते हैं। अपने घर में हर व्यक्ति कई बार इस बात को देखता है कि जहां आग जलती है वहां धुआं होता है। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां
क्योंकि साहचर्य नियमों जाति ही इस साहचर्य नियम की जाति को देखकर व्यक्ति के अंदर ये सदा ज्ञान बना रहता है कि जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी। तो केवल धुएं को देखकर अग्नि का हम अनुमान कर लेते हैं और वह अग्नि का अनुमान हमारा प्रामाणिक होता है। हम डरते की चोट पर कह सकते हैं कि उस पार पहाड़ पर आग लगी हुई है, भले आग दिखाई न पड़े। ये दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान, दूसरा अनुमान प्रमाण के द्वारा किसी विषय का ज्ञान। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनका अनुमान भी नहीं किया जा सकता और प्रत्यक्ष भी नहीं देखा जा सकता। उन विषयों को जानने के लिए किस प्रमाण का हम आश्रय लें, विचार यहां से शुरू होता है। वो विषय क्या है? धर्म और अधर्म, ईश्वर, परलोक, परलोक की सत्ता, जिसकी चर्चा हम सभी धर्मों में सभी मत और पंथ में सुनते हैं। पाप पुण्य की चर्चा सुनते हैं, ये पाप नहीं ये पुण्य नहीं। पाप को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पाप क्या है। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करते तो कहने के लिए हम कहेंगे कि इसने पाप किया, पाप हो गया, लेकिन वो पाप काले रंग का है कि पीले रंग का है कि 100 ग्राम का है कि 200 ग्राम का है, इसका किसी को ध्यान नहीं। केवल हम ये मान लेते हैं कि ये पाप हो गया, पाप दिखा नहीं। आपने पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, उन अच्छे कर्मों से जो पुण्य उत्पन्न हुआ वह पुण्य भी दिखाई नहीं पड़ता है, उसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। ईश्वर की सत्ता में बहुत से लोगों को संदेह भी है, ईश्वर है कि नहीं है, क्योंकि देखा किसी ने नहीं और प्रत्यक्ष हम उसे देख नहीं सकते और उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं ईश्वर, परमात्मा, परलोक, पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, आत्मा की सत्ता, आत्मा की नित्यता, इन सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं, न अनुमान है और ना ही प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम इसे जान सकते, और तर्क के द्वारा भी इसे हम नहीं जान सकते, क्योंकि तर्क की भी एक निश्चित सीमा होती है। श्री मनु जी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं कि यस तर्के नाम संधत्ते सधर्मो वेदते तरह, तर्क के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन तर्क की एक निश्चित सीमा है। तर्क के द्वारा हम सब कुछ जान लेंगे ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि तर्क अंतहीन होता है। अंतहीन तर्क के द्वारा हम किसी तथ्य को नहीं जान सकते। जैसे आज कोई प्रश्न करे कि पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ, तो कहना होगा कि बीज से वृक्ष हुआ। तो फिर प्रश्न होगा कि जिस बीज से वो वृक्ष हुआ वो बीज कैसे हुआ, तो फिर कहना पड़ेगा किसी वृक्ष से उत्पन्न हुआ। तो फिर वो किसी वृक्ष से उत्पन्न हुआ वो बीज, तो फिर वो वृक्ष जो था जिसने बीज को उत्पन्न किया वो कैसे उत्पन्न हुआ, बोले वो किसी बीज से उत्पन्न हुआ। यह तर्क अंतहीन तर्क हो जाएगा, इस तर्क से हम किसी तथ्य पर नहीं पहुंच पाएंगे कि पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ। इसी को दर्शन शास्त्र में अनवस्था नाम का दोष कहा जाता है। अनवस्था दोष, जिसकी कोई अवस्था नहीं है, जिसका समापन नहीं हो सकता। तो अवस्था दोष से ग्रस्त तर्क जो होता है वह तर्क अप्रामाणिक हो जाता है, उससे किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए तर्क के द्वारा भी इन परलोकादि विषयों को, धर्म अधर्म को हम नहीं जान सकते, तर्क का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा तर्का प्रतिष्ठाना, तर्क की अप्रतिष्ठा है। लेकिन विडंबना यह है कि आज का बौद्धिक समाज सब कुछ तर्क के द्वारा ही सिद्ध करना चाहता है। नई पीढ़ी में भी वालों तर्क के द्वारा ही सारी बातों को समझना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने इस वक्तव्य में यही निवेदन करूंगा कि तर्क के द्वारा सब कुछ कभी नहीं जाना जा सकता। तर्क को कहीं कहीं हमें छोड़ना पड़ेगा और भावनात्मक ढंग से युक्त होकर और विश्वास के साथ
श्रद्धा के साथ कुछ चीजों को समझना होगा, तभी हम तत्व को समझ पाएंगे। तो वेद उन परमोदात विषयों को जानने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण शेष नहीं बचता, तब हम शब्द प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। शब्द अपने आप में एक प्रमाण माना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हुआ, अनुमान प्रमाण अनुमान से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण होता है। जहां प्रत्यक्ष और अनुमान की गति नहीं होती, वहां पर शब्द प्रमाण से विषय को जाना जा सकता है। जैसे अमेरिका में बम विस्फोट हुआ, आप यहाँ भारत में बैठे हैं, आपने अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष देखा नहीं और किसी हेतु के द्वारा आप वहां तक का अनुमान भी नहीं कर सकते। अमेरिका भूखंड पर आप कभी गए भी नहीं, लेकिन जब बीबीसी लंदन समाचार ने कहा कि इतने बज के इतने मिनट पर बम विस्फोट हो गया, तो आपने मान लिया ये सही। और आप कहीं भी लंके की चोट पर कहते हैं कि फला में वहां पर ऐसी घटना घटित हुई, आपने तो देखा नहीं, आपने अनुमान भी नहीं लगाया, लेकिन इस ज्ञान पर आप विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शब्द के द्वारा आपको ज्ञान, लेकिन शब्द ज्ञान से जो तथ्य की सिद्धि होती है उसमें बोलने वाले व्यक्ति के अंदर अगर दोष न हो तब उसका शब्द प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण एक बच्चे का भी शब्द प्रमाण होता है, लेकिन वो बच्चा जो बोलने वाला है उसमें दोष न हो। कौन सा दोष? उन्हें करना पारो विप्रलिप्सा भ्रम प्रमाण, ये दोष अगर व्यक्ति में नहीं है तो उसके शब्द प्रमाण होते हैं। अगर कोई भ्रम में बोल रहा है तो उसका शब्द प्रमाण नहीं होगा। अगर वह व्यक्ति विप्रलिप्सा अर्थात किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर के वो कोई बात कह रहा है, उसकी बात प्रमाणित नहीं होगी। और करणा पाठों का मतलब इंद्रियों का असामर्थ्य। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई शब्द सुना, कोई ज्ञान सुना, लेकिन सुनने की शक्ति उसकी थोड़ी खराब थी, उसने गलत सुना और गलत सुनकर के ही वो बोलने लगा, तो उसका शब्द प्रमाण नहीं होगा। क्यों बोले? उसकी इंद्रियों ने सही ज्ञान ग्रहण नहीं किया। तो इन कारणों से वक्ता के शब्द में दोष आ जाता। तो फिर ऐसे कौन से शब्द को हम ढूंढें जो शब्द प्रमाण निर्दोष हो, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो? तो शब्द प्रमाण में दोष तब आता है जब वक्ता के अंदर दोष हो। और वेद ऐसा शब्द है, वेद ऐसी शब्द राशि है जिसका कोई वक्ता ही नहीं, इसलिए वक्ता न होने के कारण वक्तागत जो दोष है करना पाठो प्रलिप्सा इत्यादि, वो दोष वेदों में विद्यमान नहीं। वेद सर्वथा निर्दोष और परम प्रमाण युक्त है। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा धर्म विद्यासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः, धर्म की जिज्ञासा होने पर वेद ही परम प्रमाण है और अंतिम प्रमाण के रूप में हम वेदों को स्वीकार करते हैं। और वैदिक परंपरा के आधार पर, वैदिक प्रमाण के आधार पर ही हम तत्व का चिंतन करते हैं। जिन तत्वों का हमें प्रत्यक्ष इंद्रियों से और अनुमान से बोध नहीं होता, उनका बोध हमें वेदों के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए वेदों के विषय में कहा गया कि प्रत्यक्षेणावस्तुपायोर्विद्यते, प्रत्यक्ष के द्वारा जिसे हम नहीं जान सकते, अनुमान से नहीं जान सकते, प्रत्यक्षेणावस्तुपायोर्विद्यते एवं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, उन सारे विषयों को हम वेद के द्वारा जानते हैं। इसीलिए धर्म अधर्म और लोक परलोक ईश्वर परमात्मा इन विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको वेद की शरण जाना पड़ता है। और अनादिकाल से वेद की एक अविच्छिन्न परंपरा चली आई है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि दुनिया के जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में कहीं कहीं फेर बदल हो जाती है, शब्दों का व्यत्यास हो जाता है, लेकिन विश्व में वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आज तक लाखों करोड़ों वर्ष से कोई व्यत्यास नहीं हुआ, यथावत उसको पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा सुरक्षित रखी गई। इसके लिए ब्राह्मणों ने कितना तप किया है और किस प्रकार से सुरक्षित रखा है, एक भी शब्द का है फेर नहीं। जैसे अग्निमीडे पुरोहितम, तो अग्निमीडे पुरोहितम है तो अग्निमीडे पुरोहितम ही पढ़ा गया, पुरोहितम अग्निमीडे ऐसा आगे पीछे भी नहीं हुआ। इसी को
कहा जाता है। श्रुति का मतलब सुन करके जिसको हम आज तक सुरक्षित रखते रहे, इसीलिए वेदों का एक नाम श्रुति। और गुरु परंपरा से उन वेदों को हमने आज तक सुरक्षित रखा। और वेद का जो अंतिम भाग होता है, वेदों का जो अंतिम चैप्टर होता है, उसी को उपनिषद कहा जाता है, उसी को वेदांत कहा जाता है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण वेद के जितने ग्रंथ हैं उनका जो अंतिम अध्याय, अंतिम प्रकाशक, उसी को वेदांत कहा जाता है, उसी को उपनिषद कहा जाता है। तो वेद के आधार पर हम तत्वों का चिंतन करते हैं। वेद परम वैज्ञानिक है और वैदिक सिद्धांत व्यावहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी। दुनिया में कोई सिद्धांत तभी टिकता है जब वो व्यवहारिक भी हो, आध्यात्मिक भी हो और वैज्ञानिक भी। आज आपसे कोई बात कही जाए, बात बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर वो वैज्ञानिक नहीं है तो आप उसे मानने को तैयार नहीं। अभी चर्चा आई थी कि विज्ञान और आध्यात्म का संबंध क्या है, तो बड़ा अटूट संबंध है। हमारा अध्यात्म, हमारी परंपरा बड़ी वैज्ञानिक है और विज्ञान शब्द से ही इसकी शुरुआत होती है। वेदों को जब आप पढ़ेंगे तो वेदों में कठोपनिषद एक उपनिषद है, कठोपनिषद के एक मंत्र में वेद कहता है, यस्तु विज्ञानवान भवति सौ मनस्तः सदा सुखी सततः पदमवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान होगा, विज्ञान की बात वेदों ने यहाँ तक कहा, एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातुं भवति। कितना सुंदर सूत्र है कि आज विज्ञान सारे ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उतावला है और बड़े बड़े शोध हर क्षेत्र में चल रहे हैं। कोई शोध कर रहा है आकाश में क्या है, कोई शोध कर रहा है धरती में क्या है, ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, कितने पिंड हैं, इनकी गतिविधियां क्या है। लेकिन विचार करना, ये सारे शोध करते करते दुनिया के अरबों खरबों वैज्ञानिक मर जाए और लाखों वर्ष बीत जाए फिर भी इसका कभी अंत नहीं हो। एक ग्रह भी आप खोज कर लेंगे, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, अनंत ग्रह मंडल और ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड उस शून्य आकाश में तैर रहे हैं। उस प्रकृति के ज्ञान को, इस भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो शोध पूरी दुनिया में चलता रहता है, इसका अंत कभी होने वाला नहीं। एक ज्ञान प्राप्त करने की बात फिर नया विषय उपस्थित हो जाएगा और संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान का संचय मानव कभी अपनी उपस्थिति में नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत का ज्ञान इस सीमित बुद्धि में कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। तब इस विषय में वेदों ने कहा, वेदों की यही अलग दिशा है। वेद का विज्ञान थोड़े दूसरे ढंग से चलता है। वेद का विज्ञान किसी वस्तु का परीक्षण करके देख करके उस ज्ञान को तय नहीं करता, अपितु वेद कहता है कि संसार के जितने प्राणी हैं उस परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा कौन है, बोले परमात्मा को हमने देखा नहीं। परमात्मा होता भी है क्या, ईश्वर है? नास्तिक कहता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर है ही नहीं। लेकिन ईश्वर की सिद्धि के लिए भी हम अनुमान कर सकते हैं। क्या अनुमान कर सकते हैं? देखो, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अगर हमारे सामने टेबल रखी हुई है तो निश्चित रूप से इस टेबल को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा, भले उसको हमने कभी देखा नहीं, उससे हमारा कोई परिचय नहीं। जब वो टेबल बना रहा था उस समय भी मैं वहां उपस्थित नहीं था, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर इस वस्तु को देखकर इस वस्तु की सत्ता से इसके बनाने वाले का बोध हमें प्राप्त हो जाता है और डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति था, कोई मानव था, जिस मानव ने अपनी बुद्धि से लकड़ियों को काट करके इस रूप में
इस बात को कोई काट नहीं सकता। बनाने वाले को हमने नहीं देखा, बनाते समय नहीं देखा, कहां से वो लकड़ी लाया, किस पेड़ से लकड़ी लाया, ये भी मैंने नहीं देखा। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसको बनाने वाला कोई करता है, बिना कर्ता के लिए कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि कार्य को तो मैं देख रहा हूं लेकिन कर्ता को नहीं देख रहा हूं। तो कार्य अगर विद्यमान है तो निश्चित रूप से इसका कोई कोई करता होगा। इस सम्मान के आधार पर आप विचार करो, ये अनंत अनंत ब्रह्मांड जो दिखाई पड़ रहा है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारे प्रकृति, इस कार्य को करने वाला, इसको बनाने वाला कोई कर्ता जरूर होगा। क्योंकि बिना किसी के द्वारा किए गए कार्य से इसकी सिद्धि कैसे हो सकती है। ये कार्य हमें ब्रह्मांड के रूप में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से इसका कोई कर्ता होगा। और वह कर्ता कौन होगा? कोई मनुष्य नहीं होगा, वो सर्वज्ञ होगा, जिसको सब चीज का ज्ञान होगा। तभी उसने ऐसी विचित्र सृष्टि को बनाया। अब यहाँ पर आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि ईश्वर ने नहीं बनाया, ये तो निसर्ग की देन है, प्रकृति ने अपने आप सब कुछ किया। तो वहां पर वेदांत का ये तर्क होता है कि प्रकृति अपने आप कुछ नहीं करती, प्रकृति तो जड़ है, और जड़ में कोई क्रिया तब तक नहीं होती जब तक कोई चेतन तत्व उसको संचालित करे। ये टेबल जड़ है और मेरे सामने रखा है, ये अपने से उठ करके वहां नहीं जाएगा, न ये हिलेगा न डुलेगा। इसको हिलाने और डुलाने के लिए कोई आदमी चाहिए, कोई इसे उठाएगा तो वहां बने रखे। ये अपने से वहां नहीं जा सकता, इसमें कोई क्रिया अपने आप नहीं होगी, कोई चेतन ही इस जड़ वस्तु को उठाएगा रखेगा तब इसमें क्रिया दिखाई पड़ेगी। जड़ वस्तु में स्वतः कोई क्रिया नहीं होती, कोई चेतन उसे हिलाता डुलाता है तो उसमें क्रिया दिखती है। जैसे सूर्य भी विद्यमान है, पानी भी विद्यमान है, अन्न के बीज भी विद्यमान है प्रकृति में, लेकिन अपने आप उस अन्न के बीज में अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण कब होगा? बोले जब कोई हमारे आप जैसा चेतन व्यक्ति उस अन्न के बीज को ले जाकर मिट्टी में दबाएगा, पानी डालेगा, तब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तब उसमें अंकुरण होगा। तो जड़ प्रकृति में अपने आप कोई क्रिया तब तक नहीं होती जब तक चेतन उसमें सहभाग नहीं करता। उसी तरह ये जड़ प्रकृति, ये प्रकृति करते वायु आकाश पांच तत्वों से बनी हुई सृष्टि, पांच तत्वों से ही संपूर्ण सृष्टि बनी है, जिसको पंच तत्व कहा जाता है। प्रकृति जल देह वायु आकाश, अग्नि तत्व जल तत्व पृथ्वी तत्व वायु तत्व और शून्य आकाश। आकाश का मतलब अवकाश, अवकाश माने जगत। अवकाश अगर न होता, आकाश न होता तो ये सब कुछ कहां सारी क्रियाएं संपादित होती। तो ये पांच तत्व जो है, इन पांचों तत्वों में तब तक कोई क्रिया नहीं होती जब तक कोई चेतन इसमें सहभाग नहीं करता। तो परमात्मा के संकल्प के बिना, उसकी संकल्प शक्ति के बिना ये प्रकृति अपने आप सृजित नहीं हो सकती, इसको कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इन तर्क के आधार पर ईश्वर की सत्ता को हमने स्वीकार किया है और निश्चित रूप से ईश्वर की सत्ता को हम मानते हैं। और वह ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है, सर्वम जानाति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, सर्वविद और सबको जानते हुए सबके भिन्न भिन्न गुणधर्म को भी वो जानता है, वह सर्वज्ञ परमात्मा और वो परम चेतन है। और उसी चेतन का अंश हम आप सभी, समस्त जीव उस परमात्मा के अंश हैं, चेतन अंश हैं। इसी को वेदांत ने कहा कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम्। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम्। ये जितने जीव हैं ये सब सनातन हैं और मेरे अंश हैं, और मैं एकांशी हूं। तो ये जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है, और परमात्मा में जो ज्ञान विद्यमान है उसका कुछ अंश हमारे अंदर भी विद्यमान है। अब इस विषय को लेकर के वेद ने कहा कि अगर हम अपने प्रयास के द्वारा, अपने अनुसंधान के द्वारा
चिंतन के द्वारा उस परमात्म तत्व को अगर जान लें, उस ईश्वर को हम जान लें समझने का यज्ञ से, तो उस ईश्वर को समझने का यज्ञ बल होगा कि ईश्वर के अंदर जो ज्ञान है अनंत ज्ञान, वह ज्ञान हमारे अंदर भी जागृत हो जाए। यहाँ से विज्ञान में चिंतन करता है, वे कहता है कि उस एक विज्ञान से, एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञानं भवति, उस एक के विज्ञान से सब कुछ विज्ञान हो जाए। क्योंकि उस एक परमात्मा के जान लेने पर हमें समस्त वस्तुओं का विज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने कभी किसी वस्तु के शोध में अपने समय को नहीं दिया, अभी उस सबके निर्माता उसके ईश्वर पर ही शोध किया और उसको जान लेने के बाद वो सर्वज्ञ हो गए। इसीलिए बड़े बड़े ऋषियों को सर्वज्ञ माना गया, क्यों? ऋषियों ने कहीं कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला नहीं खोली, न उन्होंने कोई वैज्ञानिक यंत्र बनाए, न उन्होंने कोई वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर चलाया, लेकिन अपनी पुरुष की भक्ति में बैठकर अपनी आत्मा के तार को उस परमात्मा से मिलाकर उस विज्ञान की धारा को प्राप्त कर लिया, जिसको वेदों ने कहा एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञानं भवति, और उन्हें सब कुछ विज्ञान हुआ। और सब कुछ विज्ञान होने पर उन्होंने उन सारे विषयों को अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किया और उसे स्पष्ट किया, जिसे आज भी हम लोग अनुभव करते हैं। तो वैज्ञानिक धरातल पर हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूपेण खरा उतरता है। वैज्ञानिक धरातल पर इसलिए खरा उतरता है कि हमारे जितने सिद्धांत हैं वो विज्ञान की कसौटी पर कसे हुए। कहीं भी आज तक जितने लोग बैठे हैं सभी स्वाध्यायशील हैं, और आपने अनुभव भी किया होगा, कोई भी ऐसा सनातन धर्म का सिद्धांत आप बताओ, वैदिक सिद्धांत जो सिद्धांत आज के विज्ञान की कसौटी पर खड़ा रहो, विज्ञान की कसौटी पर आज का सिद्धांत पूर्ण रूप से खड़ा है। वैज्ञानिक बल्कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, न किसी के मत और पंथ की कोई निंदा है, परंतु एक दो सिद्धांत की बात आपको कहें। एक पंथ के लोगों ने कहा ये धरती चपटी है, ये धरती चपटी है, लेकिन जब विज्ञान ने इसे संज्ञान दिए पृथ्वी तो गोल है, तो फिर उनका सिद्धांत गोलमाल हो गया। लेकिन हमारे वेदों ने कहा ये भूमंडल है, ये भूपिंड है, और ये गोल है, और ये धरती है, ये सबको धारण करती है, इसके पिंड का वर्ग कितना है, ये सब हमारे यहाँ ऋषियों ने वेदों में पहले ही कहा है। तो वैज्ञानिक जिस विमान को दुनिया के लोगों ने बनाया, आज विमान के लोग उड़ रहे हैं, जब सारे विश्व के लोगों को विमान की कल्पना भी नहीं थी कि कोई ऐसा यंत्र बन सकता है जिस यंत्र में बैठ कर व्यक्ति आकाश को भ्रमण करेगा, तब हमारे यहाँ त्रेता युग में आज से 9 लाख वर्ष पूर्व ही वाल्मीकि रामायण में उस पुष्पक विमान का वर्णन किया, उस विमान में बैठ कर के भगवान श्री राम लंका से चल करके अयोध्या आए, चलत विमान को राहत हुई, विमान में बैठ कर के भगवान आए। तो वैमानिक पुरुषों का वर्णन हमारे यहाँ भागवत ग्रंथ को ही देख लें, भागवत ग्रंथ 5000 वर्ष पुराना ग्रंथ है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कम से कम 1000 वर्ष पुराना तो है, वैज्ञानिक अपनी दृष्टि से मानते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं हमारा भागवत ग्रंथ 5000 वर्ष पुराना। आप विचार करो, 1000 वर्ष पहले विमान की कोई कल्पना नहीं थी, और विमान में सेवा करने वाले जो प्रचारक होते हैं उनकी कल्पना तो बहुत दूर थी, लेकिन भागवत में जब कपिल मुनि के आख्यान का प्रसंग आता है तो वहां पर वर्णन है कि महर्षि कर्दम ने अपने योग बल से एक विमान प्रकट किया, जिस विमान में 100 परिचारिकाएं थी, जिनको एयर होस्टेस कहा जाता है, 100 विमान परिचारिकाएं उसमें थी, इतना बड़ा विमान, और उस विमान में सारे संसाधन विद्यमान थे, और उस विमान में बैठ करके महर्षि कर्दम और देव भूमि ने कई वर्षों तक अंतरिक्ष मंडल में भ्रमण किया। तो ये कल्पना कोई कल्पना नहीं थी, अभी वैज्ञानिक सिद्धांत था, बाद में वह आज विज्ञान के द्वारा बनने को होता दिखाई पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य कि हमारा सनातन वैदिक सिद्धांत पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और वैज्ञानिक के साथ साथ व्यवहारिक भी, इसे व्यवहार में उतारा जा सकता है।
ऐसे युग में आज जहां विज्ञान के चार्ट को लोग देखकर अभिभूत हैं और धर्म से और अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं, इसका एक महान दुष्परिणाम जो होगा कि हमारी मानवता समाप्त हो जाए। पहले हम अपनी मानवता को सुरक्षित करें, मानवता अगर सुरक्षित रही तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे और निश्चित रूप से हम संसार में अल्प संसाधनों में भी सुख को प्राप्त कर लेंगे। आज का ज्ञान, आज की शिक्षा पद्धति हमें भौतिक ज्ञान को बहुत अच्छा देती है, लेकिन भौतिक ज्ञान के साथ साथ हमारी आत्मिक उन्नति भी होगा। हमारी आत्मिक उन्नति हो, हमारे विचार उन्नत हो, हमारे अंदर नैतिकता की प्रतिष्ठा हो, यह बहुत आवश्यक है। अगर नैतिकता समाप्त हो गई, शिक्षा में नैतिकता नहीं रही, तो ये शिक्षा प्राप्त करके भी हम समाज को कभी सुखी नहीं कर पाए। इसलिए नैतिकता को प्राप्त करने के लिए तो हमें वेदों की ओर जाना होगा, अपनी संस्कृति की ओर जाना होगा, अपने संस्कार की ओर जाना होगा। आधुनिक युग में आज बच्चे जो देखते हैं समाज में और जो विज्ञान के चमत्कार को देखते हैं, उन्हें लगता है यही सत्य है। और हमारी जो पुरानी बातें हैं, हमारे जो पूर्वज कहते चले आए हैं, वो कोई कल्पना मात्र है, ऐसा कर करके उसका उपहास कर देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आज नहीं, कल किसी आवश्यकता मानव समाज को जरूर पड़ेगी और एक दिन सारी दुनिया को विज्ञान से दूर कर, इस आधुनिक विज्ञान से दूर कर आध्यात्म की शरण में आना पड़ेगा, तभी सच्ची शांति मिलेगी। महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, लोगों को टेंशन है, डिप्रेशन है, अवसाद में है, परिवार टूट रहा है, संबंध टूट रहे हैं, मानवता बढ़ रही है। इसका मूल कारण यही है कि हम अध्यात्म से शुरू होने चाहिए। इन सारे समस्याओं का समाधान अध्यात्म, जब अध्यात्म में हम आते हैं तो सबसे पहले हमको यही सिखाया जाता है कि संसार की जिन चीजों के छूटने से, टूटने से, बिछोड़ने से तुम दुखी हो रहे हो, पहले इसी को समझ लो, इसको ये समझ लो कि ये तय है, ये छूटेगा, ये टूटेगा, ये नष्ट होगा, क्योंकि संसार में सब कुछ नाश हो रहा है। ये बात अगर हम हृदय में धारण कर लें तो फिर कहीं भी किसी चीज के छूटने, टूटने और नष्ट होने पर हमें पीड़ा नहीं होगी। यहाँ तक कि अपने शरीर के विषय में भी हमें बोध कराया जाता है, हमारा शरीर ही नाशवान है। अनित्य वसुम लोगों को हम प्राप्त कर सुना, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, ये शरीर भी तुम्हारा अनित्य है, आज है तब नहीं रहेगा, इसलिए इसके प्रति भी जो तुम्हारा मोह है वो छूट जाए। तो वस्तुओं के विनाश का, विनष्ट होने का जो मोह मेरे अंदर विद्यमान है वो मोह समाप्त हो जाए तो अपने आप हम सुखी हो जाए। कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई अवसाद नहीं, कोई विघटन नहीं होगा। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा एक मानवता की स्थापना और एक सच्चे मानव का निर्माण हमारी भारतीय संस्कृति करती है। हम पढ़ करके डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़े अधिकारी बन जाए, ये ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी है कि हम मानव बन जाए। पहले तो हम मानव बन जाए, मनुष्य बन जाए, ये बहुत जरूरी है। और मनुष्य बनने के लिए हमें अध्यात्म की शरण में आना पड़ेगा, जिसे बहुत इन सारे विषयों पर कितनी बातें कही जाए। और हम इन सभी बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि आज छुट्टी के दिन भी ऐसे तो बच्चे छुट्टी के लिए मौज मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन उनको मौका मिलता है, लेकिन आज छुट्टी के दिन उन्होंने अपना समय निकाला हमें सुनने के लिए और अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए। इतना कहने के बाद भी बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी और होती हैं, होनी ही चाहिए, बिना जिज्ञासा के व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ तक कोई भी ग्रंथ का वर्णन प्रारंभ होता है तो ग्रंथ में सर्वप्रथम जिज्ञासा की ही बात आती है। वेदांत में जब पहला सूत्र पढ़ते हैं तो यही कहते हैं तथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होगी। फिर पढ़ते हैं तथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा होगी। तथातो भक्ति जिज्ञासा, भक्ति की जिज्ञासा होगी। बिना जिज्ञासा के मुकाल नहीं, यहाँ तक कि भगवान की कथा में हम सुनते हैं तो पहले जिज्ञासा होती है। साधारण रामायण को, रामचरित मानस को आपने भी पढ़ा होगा, वहाँ पर भी वर्णन है कि पार्वती ने भगवान शंकर से जिज्ञासा की, मुझे रघुपति कथा पसंद आ सतल लोक
इसी एक गीता में भगवान ने कहा अर्जुन अगर तत्व ज्ञान प्राप्त होगा तब करना है तो शुरुआत कहाँ से करनी है, बोले तर्क में मत पढ़ो, कुतर्क में मत पढ़ो, चतुराई में मत पढ़ो, अपितु श्रद्धा से युक्त होकर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परस्मरणीय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इन विषयों में जब हमारी श्रद्धा होगी तभी इस ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे। और इसका उपाय क्या है, अर्थात आचार्य की शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर, किसी योग्य पुरुष की शरण में जाकर तब विधि प्रणिपात करें, उनको प्रणिपात करें, उनको प्रणाम करें, परिपुष्टेन सेवया और अनुकूल वातावरण देने करके तब अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें, तब उसकी शंकाओं का समाधान होता है और जिज्ञासा पूर्ण होती है। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत समय निकाला और बच्चे आए और सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि पढ़ने में आपका खूब मन लगे और पढ़ करके आप एक अच्छे नागरिक बने और देश का समाज का आप कल्याण करें, उनका आशीर्वाद है। और इसके साथ साथ देश और समाज का कल्याण करते हुए अपने कल्याण को बनो, अपना भी कल्याण करना हो, हम पढ़ें और परोपकार के कार्य में तो लगे लेकिन साथ साथ अपने कल्याण का भी हमें विचार करना चाहिए। हम इस संसार में क्यों आए हैं और इस संसार में पैदा होकर के हमें क्या करना है और हमारा कल्याण इसमें नहीं है, इसी को कहते हैं आत्मरक्षण। तो आत्मरक्षण भी जरूरी है, अपने रक्षण के लिए अपने कल्याण पर भी आप विचार करें और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ें और आपका जो संकल्प है, आपके माता पिता का जो संकल्प है वह पूर्ण हो और आपके जीवन में दिक्कत आवे आपके व्यक्ति के मानव बन सकें और उन्हीं शब्दों के साथ भूमि भूमि मंगल आश्वासन करते हुए मैं अपने मान को ज्ञान देता हूँ। अस्तु जय श्री राम। बोलिए जोर से जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी जी के चरणों में थोड़ी थोड़ी प्रणाम। स्वामी जी हमारी बहुत सालों से इच्छा थी कि हमारा जो युवा वर्ग है उनके मन में अनेक जिज्ञासा है, जैसा आपने कहा कि जिज्ञासा आनी चाहिए, उनमें होनी चाहिए और ये जिज्ञासाओं के सभी उत्तर आपके पास है इसका हमें पूरा विश्वास है। लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए हमने सभी विद्यार्थियों के कॉलेज में से कुछ प्रश्न जिज्ञासा मंगवाई थी और जो कुछ उसमें के समांतर प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, उस पर हम आपसे सुनना चाहते हैं, हमारे विद्यार्थी सब लोग सुनना चाहते हैं। आपने अभी बताते समय बताया स्वामी जी कि विमान की कल्पना या विमान का शोध कुछ वर्ष पहले हमारे वैज्ञानिकों ने लगाया, ऐसा भी हम लोग मानते हैं, लेकिन लाखों वर्ष पूर्व विमान कैसा था अभी स्वामी जी ने आपको बताया ही है कि रामायण में उसका उल्लेख है कि जब रावण के साथ में युद्ध समाप्त करके रावण का वध करके जब राम निकले थे लंका से तो पुष्प विमान नाम के साथ में है। आप लोग कोई ग्रंथ मतलब अभी तो आप छोटे हो वो ग्रंथ पढ़ने का आपका कोई कभी ये नहीं आया होगा, लेकिन पुष्प विमान में बैठ के पूरा राम दरबार पूरा राम परिवार सीता जी सहित हनुमान जी ये सब लोग उस पुष्प विमान में बैठ के अयोध्या आए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये विमान और ये सब कुछ इसका शोध अनेक लाखों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ लग रहा होता है। इस संबंध में जुड़ा एक प्रश्न स्वामी जी पूछना चाहता हूँ कि पुरातन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान इन दोनों का तुलनात्मक अभ्यास करने वाली कोई संस्था अपने देश में भारत में या परदेश में कहीं अस्तित्व में है क्या, और यदि है तो उनके निष्कर्ष क्या आए हैं। देखिए प्राचीन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अभी तक मेरी दृष्टि में ऐसी कोई संस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ बड़े बड़े महापुरुष इस विषय पर अपने विचार रखते हैं
और अपने विचारों के द्वारा तुलना करके समाज में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कहीं कुछ ऐसा संस्थान संचालित हो रहा हो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ चर्चाएं चलती हैं और चर्चाएं होती हैं। कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि जब हमारा विज्ञान इतना उन्नत था प्राचीन काल में, तो फिर उन वैज्ञानिकों ने, उन लोगों ने, उन ऋषियों ने ये बड़े बड़े विमान क्यों नहीं बनाए, सबके लिए वो उपलब्ध क्यों नहीं कराया, बड़े बड़े यंत्र क्यों नहीं बनाए, ये बाद में ही क्यों बना करके। तो इसका उत्तर हमारे यहाँ ये दिया जाता है कि विज्ञान के द्वारा जो बड़े बड़े यंत्र बनाए जाते हैं, ये बनाने की कला तो ऋषियों ने भी विद्यमान थी, लेकिन इसको हमारे यहाँ सनातन धर्म ने एक उपपाप के रूप में स्वीकार किया है। इसको समझने की आवश्यकता है, उपपाप के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया कि यंत्रों से, यंत्रों का जितना सकारात्मक पक्ष है उससे नहीं ज्यादा उसका नकारात्मक पक्ष है। आज के इस युग में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण यांत्रिकी, इतने यंत्र बन गए कि लोग बेरोजगार हो, जहाँ सैकड़ों लोग काम करते थे वहाँ एक मशीन काम करती है और उसको संचालित करने वाला ऑपरेटर एक व्यक्ति ही काम कर लेता है, दुनिया के लोग बेरोजगार हो। इसलिए विश्व में बड़े बड़े यंत्रों के निर्माण को एक सामाजिक अपराध माना था। यात्रियों की स्मृति में महर्षि यागवल्क ने लिखा है महायंत्र प्रवर्तन, बड़े बड़े महायंत्रों का निर्माण करना ऋषियों ने अपराध माना, इससे समाज में विघटन पैदा होगा, समाज में अव्यवस्था पैदा होगी और इसका दुरुपयोग भी होगा। इसलिए ऋषियों ने ऐसे यंत्रों का निर्माण और ऐसे बड़े बड़े संयंत्र लगाने का निषेध किया था। इसलिए ऋषियों ने और हमारी परंपरा के लोगों ने इसको महत्व नहीं दिया, लेकिन ये विज्ञान हमारे यहाँ अनाज काल से विद्यमान है। आज कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि कोरोना महामारी ने सारी दुनिया को त्रस्त कर दिया, आरोप लगा चाइना के ऊपर कि चाइना ने ये वायरस छोड़ दिया, ये ऐसा युद्ध है, इस युद्ध में बिना तलवार के, बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना गोली बंदूक के लाखों लोगों को मार दिया जा सकता है, अपने विरोधियों को, अपने विरोधी देश में इस वायरस को छोड़कर। चाइना के ऊपर आरोप लगा जो जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया है। आप कहेंगे जैविक हथियार का विज्ञान तो आज हमने सुना, लेकिन आप भागवत महापुराण उठा करके पहले जो बाणासुर का युद्ध हुआ, तो बाणासुर के युद्ध में भगवान शंकर का युद्ध करने के लिए आए बाणासुर की तरफ से, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की सेना के ऊपर जैविक हथियार का प्रयोग किया और उन्होंने माहेश्वर ध्वज छोड़ दिया, जिसको आज मलेरिया कहते हैं, मलेरिया के विषाणु छोड़ दिए और उसका परिणाम कि उनकी सारी सेना बुखार से त्रस्त हो गई, तब तक कांपती रही। अभी भी ये कथा भागवत में विद्यमान है, आप सुनते हैं। फिर उसका उत्तर देने के लिए भगवान विष्णु की तरफ से वैष्णव जल छोड़ा गया और जब वैष्णव जल छोड़ा गया तो वो जो वायरस थे वो वायरस शांत हुए और जाकर के उसका प्रतिकार हुआ। तो ये जैविक हथियार का प्रयोग आज जिसको दुनिया ने सुना उसको 5000 वर्ष कहेंगे अभ्यास पुराने में। कितनी बातें मैं कहूँ, सब कुछ वैज्ञानिक है, हमारा सनातन सिद्धांत बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत है। आज के 500 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद जो शोध होगा उसका भी मूल कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में प्राप्त है, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि आज के इस युग में हमको आपको प्रयास करना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान और हमारे हमारा प्राचीन विज्ञान इसका समन्वयात्मक अध्ययन हो और इस पर कुछ आगे बढ़ा जाए तो समाज को बहुत कुछ प्राप्त होगा। धन्यवाद स्वामी जी। आज का युग ऐसा है कि हमको कुछ तो कुछ नया करना चाहिए, तभी हम इस स्पर्धा के युग में टिके रहेंगे। और स्वामी जी ने बताया कि ये एक संशोधन का विषय हो सकता है और आज तक ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं है। आप में से शायद कोई स्टूडेंट्स इस विषय को लेके भविष्य में काम कर सकते हैं, एक यूनिक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। स्वामी जी, आहार का मानवीय मन के विचारों से कोई संबंध है क्या? क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं डोमिनोज, पिज्जा, ये सारे ब्रेड, ये चीज़ें हमारे युवा वर्गों को बहुत पसंद है, बहुत ललचाते हैं उससे, और ये बिल्कुल सदा अभी थुगैये के घर घर में इसका
और बच्चे जो बच्चे जो स्पेशली उससे बहुत अट्रैक्ट है, तो मानवी मन के साथ में अपने आहार का कुछ संबंध है क्या? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैं लोगों से भी शुरू करूँ। आहार का हमारे मन के साथ बहुत बड़ा संबंध है। वेदों में कहा गया आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ भुवा स्मृति, स्मृति गंधे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षा, ये वेद का मंत्र है। इस वेद मंत्र में कहा गया कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जब आहार शुद्ध होता है तो हमारा सतोगुण शुद्ध होता है, सत्व का उद्रेक होता है, हमारा सतोगुण बढ़ता है। ये सतोगुण क्या है थोड़े से भी समझ में, हमारे यहाँ वेदों में तीन गुण की चर्चा की गई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों से ही संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है, दुनिया की हर वस्तु में ये तीन गुण व्याप्त हैं। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्रैगुण्य विषया ने कहा निस्त्रैगुण्यो भवान्, ये संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इन तीनों गुणों का कार्य क्या है? वे तमोगुण का कार्य है आलस्य और प्रमाद। तमोगुण आने पर अज्ञान व्याप्त होता है, अज्ञान का मूल तमोगुण है, और रजोगुण व्यक्ति को एक्टिव करता है, क्रियाशील बनाता है, क्रिया की शक्ति रजोगुण में होती है, और सतोगुण के द्वारा ज्ञान का आधान होता है। ज्ञान का मूल सतोगुण है, शुद्ध ज्ञान सत्वगुण के बढ़ने पर होता है, रजोगुण बढ़ने पर क्रिया होती है, और तमोगुण होने पर व्यक्ति की विश्रांति होती है। इसको आप इस तरह से समझें कि एक कारपेंटर लकड़ी की कुर्सी बनाता है तो उसके अंदर पहले ज्ञान होना चाहिए कुर्सी कैसे बनती, उसका आकार क्या होता, उसकी साइज क्या होती, इसका ज्ञान उसके मस्तिष्क में, ये सतोगुण का परिणाम है। लेकिन ज्ञान होते हुए भी वो तब तक निर्माण नहीं करेगा जब तक उसके अंदर रजोगुण नहीं आएगा। रजोगुण आएगा तब उसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी कि हम कुछ बनाएं तो हमको कुछ मिलेगा। कुछ लोभ आने पर रजोगुण जब बढ़ता है तब उसके अंदर क्रिया उत्पन्न होती है, वो अपने हथियार उठाता है, लकड़ी को काटता है, छीनता है, बनाना शुरू करता है। लेकिन वो करता ही रहे क्रिया, बनाता ही रहे, लकड़ी को भेजता और काटता ही रहे तो क्या होगा? केवल नहीं बनेगी, तो बड़े सारी लकड़ी तक करके समाप्त हो जाए। क्रिया को एक निश्चित सीमा में जाकर के विराम देना होगा, वो तमोगुण है, और तमोगुण पर उसे जब विश्रांति मिलती है तो कार्य की सिद्धि होगी। संपूर्ण सृष्टि में ये प्रक्रिया चलती रहती है सतोगुण और तमोगुण के द्वारा। तो इन तीनों गुणों में जो सतोगुण है वो ज्ञान का मूल है, और सतोगुण की वृद्धि आहार से होती है। हम जैसा आहार करेंगे तमोगुणी आहार करेंगे तो हमारे अंदर तमोगुण व्याप्त होगा, रजोगुणी आहार करेंगे तो रजोगुण व्याप्त होगा, और सतोगुणी आहार करेंगे तो हमारे अंदर सतोगुण व्याप्त होगा। और इसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है, क्योंकि मन ही सारी क्रियाओं का संकल्प करता है। आप कुछ भी करते हैं तो आप अपने मन से प्रेरित होकर के करते हैं, मन एक तो मनुष्याणाम तो मन को प्रेरित करने वाले ये तीन गुण हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तमोगुण जब मन को प्रेरित करेगा तो आपकी प्रवृत्ति तमोगुण में होगी, गलत कार्यों में हो जाएगा। रजोगुण प्रवृत्ति करेगा, रजोगुण की प्रेरणा होगी तो आपका मन उन कार्यों में प्रवृत्त होगा जो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, मध्यम कर देगा। और जब सतोगुण आप में जागृत होगा तब आपके मन को वो सतोगुण प्रेरित करेगा, तो आप अच्छे कार्य में प्रवृत्त होंगे, उत्तम कार्य में प्रवृत्त होंगे, आपकी विचारधारा उत्तम होगी, आपकी स्मरण शक्ति दिव्य होगी, ये सारी विशेषताएं प्रवृत्त होने लगते हैं। तो इसका निर्धारण आहार के ऊपर निर्भर करता है, आहार जैसा करेंगे उस प्रकार की वृत्ति आपके अंदर सृजित होगी, वैसा मन आपका बनेगा। इन बातों को हमने जो कहा इसको एक साधारण शब्दों में आप समझ लें, घर घर में लोग कहते हैं, ये वाक्य आपने सुना होगा कि जैसा खाया
जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, आप जैसा अन्न खाएंगे वैसी प्रवृत्ति पैदा होगी, जिसका अन्न खाएंगे वैसा ही मन बन जाएगा। एक उदाहरण है कि लोग कहते हैं कि अमुक अधिकारी काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, उसको खिलाओ पिलाओ, और अधिकारी आपके अनुकूल काम नहीं करता तो आप उसको खिलाते पिलाते हैं, कुछ देते हैं, आपकी दी गई वस्तु को जब वो खाता है तो आपके द्वारा दी गई वस्तु से खा करके उसका मन आपकी तरफ आकर्षित होता, खाते ही उस पर प्रभाव पड़ता है और आपके मन के अनुकूल होता ही होता है। जिसका खाएंगे जैसा खाएंगे वैसी ही वृद्धि होगी। इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने आहार पर बहुत विचार किया, आहार बहुत विचार करके करना चाहिए। हम शुद्ध आहार करें, पवित्र आहार करें, ईमानदारी से जो प्राप्त है उसी को ग्रहण करें। इन सारे विचारों को लेकर के चलेंगे तो हमारा मन शुद्ध रहेगा, और मन शुद्ध रहेगा तो मन में संकल्प शुद्ध होगा। इसी को वेदों ने कहा, तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, अच्छे संकल्प वाला हो। तो निश्चित रूप से आहार का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। बहुत से ऐसे आहार होते हैं, आप देखते हो कुछ आहार कर लो तो बड़ी नींद आने लग जाएगी, कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनको खाते ही बड़ी ऊर्जा का पूरी उत्साह बढ़ जाएगा। बहुत से आहार ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद आपके अंदर बड़े सब विचार प्रकट होते हैं। इसमें तो आप स्वयं रिसर्च कर सकते हैं, स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल सही है स्वामी जी, और हमने पहले भी सुना है कि जब राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उस समय कुंभकर्ण जो रावण के भाई है और उनको कितना भी जगाया जाने पर वो नहीं जग रहे थे और लड़ाई के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। तब रावण ने उसमें युक्ति निकाली कि उसको बहुत सारा मांस और मदिरा और सब कुछ पिलाया जाए, खिलाया जाए, जिससे वो उद्युक्त होगा और लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद नहीं कुंभकर्ण बराबर है समझ में, तो ऐसा करने के बाद ही कुंभकर्ण लड़ाई के लिए आगे आ गया था। तो कहने का मतलब है कि हम जो कुछ खा रहे हैं उसके ऊपर ही हमारे विचार भी उससे प्रवृत्त हो जाएंगे। कुछ सभागृह में बैठे हुए बच्चों में से कुछ जिज्ञासा है, एक दो प्रश्न हम लोग उन्हीं से भी डायरेक्ट लेंगे, वैसे तो आए हुए हैं उन्हीं से है, लेकिन फिर भी जो कोई पूछना चाहते हैं उनको हम माइक दे रहे हैं। और स्वामी जी हमारे पास में आपके पास में अमूल्य और बहुत बड़ा खजाना है हमको पता है, लेकिन हमारे पास में प्रश्न भी बहुत काफी है। तो अब तिलक लगाना, बिंदी लगाना, उसके पीछे कोई शास्त्र है क्या? लुभा मालू, लुभा मालू, लुभा सचिन अर्चना मालू, छोटी बच्ची है, बच्ची ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तिलक लगाने का और बिंदी लगाने का क्या महत्व है, क्या इसके पीछे कुछ कारण है? मेरी अभी हमारी गति को, हमारी प्रवृत्ति को सुव्यवस्थित रखने का एक बहुत बड़ा साधन है। हम तिलक जो लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, ये हमारे चरित्र की रक्षा करता है। इसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो अलग है, इसको भगवान का स्वरूप माना जाता है, मंदिर का स्वरूप माना जाता है। और ये जो दो पंक्तियाँ लगी हैं इसको भगवान का चरण स्वीकार किया जाता है। अनेक प्रकार के भावनात्मक पक्ष हैं, लेकिन उन भावनात्मक पक्ष की व्याख्या मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो उन आध्यात्मिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस भावना से जुड़े हैं। इन बालकों के विद्यार्थियों के लिए इसका आज के वैज्ञानिक युग के हिसाब से जो उत्तर है वो उत्तर ये है कि अगर मस्तक पर तिलक लगा दो तो ये तिलक, ये चंदन आपकी दुष्प्रवृत्तियों को रोकता है। दुष्प्रवृत्तियाँ जीव में स्वाभाविक होती हैं। अनेक जन्मों से हमने पशु पक्षी योगियों में मनमाना आचरण किया है, वो संस्कार कई जन्मों का जीव के अंदर विद्यमान रहता है, और समय आने पर कौन सा संस्कार जागृत हो जाए इसका कोई निशाना नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम अपनी प्रवृत्ति को सुरक्षित रखें, हमारी प्रवृत्ति
नियंत्रित रहे, इसके लिए इसका इतना बड़ा महत्व है। एक बार आप सब लोग जैसे मान लो हम तिलक लगाए और मन के अंदर कोई पाप पैदा हुआ, किसी जनों का कोई संस्कार जागृत हो गया और मन किया कि चलो चलते हैं और बियर की दुकान में बियर खरीदते हैं, तो क्या होगा? मुझे तुरंत मन कहेगा इतना बड़ा तिलक लगाए तो वहां जाओ, वो क्या है भीतर प्रवृत्ति होगी, लेकिन जब तिलक हमें हो गया और दूसरा नियंत्रण, अगर इसके बाद भी आप नियंत्रित नहीं हुए और आप चले गए इतना बड़ा तिलक लगा करके दुकान में पहुंच गए, तो फिर ये तिलक आपको बचाएगा? कैसे बचाएगा? बोले वहां आप जब जाओगे तो वहां जाते ही वहां जो लोग होंगे वो कहेंगे अरे बाबा जी यहां कहां आए आप, बताओ ये आपके लायक जगह नहीं है। अंत में आपको वहां से निकलना पड़ेगा, आप बच जाएंगे। बार बार ये तिलक ये स्वरूप आपको गलत कार्य करने से रोक देगा, ये इसकी सबसे बड़ी घटना। आध्यात्मिक और स्वामी जी ने बताया जैसे बहुत भाव है इसके पीछे। और लेकिन ये पूछा एक प्रश्न, हाँ सर, कि जो बिंदी लगाते हैं सिंदूर लगाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में माताएं अपने सुहाग के चिन्ह को, सौभाग्य के चिन्ह को, बिंदी को, मस्तक में सिंदूर को धारण करती हैं, इसका भी यही अर्थ है, उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका व्यवहारिक अर्थ ये है कि जो माँ जो माताएं अपने मस्तक पर सिंदूर और तिलक लगा करके बिंदी लगा करके समाज के लिए ली, तो जो दुष्ट हैं उनकी प्रवृत्ति अपने आप सिद्ध हो जाएगी, ये किसी की है, इसका कोई पति है, इसका कोई संरक्षक है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसे जो दुष्ट लोग हैं उनकी प्रवृत्तियाँ स्वतंत्र बाधित होंगी और उनका समाज में संरक्षण होगा। कहीं ना कहीं समाज में हमारे इन सांस्कृतिक आचरणों का, हमारे संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हम बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा से इन चीज़ों को आज तक सुरक्षित रखा और इसकी प्रेरणा दी जाती है कि आप भी ऐसा करें। स्वामी जी, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी लड़कियाँ बोलती है कि हम क्या हो गई हम, कि हम हमारे बूते पर खड़ी रह सकती है, हम किसी का भी सामना कर सकते हैं, तो क्या यह तो वजह नहीं है कि आजकल जो बिंदी नहीं लगाना और ये सब इसके पीछे जो चल रहा है? देखिए, स्त्रियां बच्चियां जो कहती हैं कि हम अपने बलबूते पर खड़े हैं, अच्छी बात है। आज के समाज में नारी को भी समानता का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और आज ही नहीं, हमारी संस्कृति में तो नारी को समानता का अधिकार सदा से प्राप्त रहा है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने हमारी संस्कृति के ऊपर आक्षेप करने के लिए बहुत सारे मन ग्रहण तर्क घूमे कि नारियों का अपमान हुआ, नारियों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। जितना नारी का सम्मान हमारे सनातन धर्म में हुआ है उतना दुनिया के किसी पंथ में नहीं हुआ। अन्य पंथों में तो नारी को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन ही समझा लोगों ने, यहाँ तक कि नारी के अंदर रूह होती है, आत्मा होती है, इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ भारत में नारी को देवी का स्वरूप कहा, कोई नारी होती है उसके नाम के आगे देवी लिखा जाता है, सीता देवी, गीता देवी, लेकिन किसी पुरुष के नाम के आगे राम देवता, कृष्ण देवता ऐसा नाम नहीं होता। आज ही नारी का महत्व हमारे यहाँ इतना है इतना किसी का नहीं। नारी के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता, कोई धर्म नहीं हो सकता। भगवान श्री राम को भी यज्ञ करना हुआ तो स्वर्ण की सीता की मूर्ति बना करके रखना पड़ा, तो उनका यज्ञ हुआ। तो नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है और वो अपने बल पर भी खड़ी है, परंतु नैसर्गिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुरुष और नारी में अंतर तो है। उस अंतर को कोई विज्ञान नहीं समाप्त कर सकता, उस अंतर को कोई समाज समाप्त नहीं कर सकता, उसे तो हमें सहर्ष स्वीकार ही करना पड़ेगा। क्यों? बोले कितना भी समानता का अधिकार दे दें तो क्या नारी और पुरुष में पूर्ण समानता हो जाए? पुरुष के गुण धर्म अलग है, नारी के गुण धर्म अलग है, उनकी वाणी में परिवर्तन है, पुरुष की वाणी
मोटी होती है, नारी की वाणी मधुर होती है, नारी के भूमंडल का स्वरूप दूसरा, पुरुष का दूसरा, दोनों के व्यवहार में, हृदय की भावनाओं में भी अंतर होता है। तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति ने ये जो भेद पैदा किया है वो तो रहेगा ही है, और उस भेद के तहत कहीं कहीं नारी अबला है, पुरुष के अंदर जो सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य नारी में नहीं देखा जा सकता, इसीलिए नारी को अबला कहा। इसलिए शास्त्र ने कहा नारी को सदा संरक्षण की जरूरत है, नारी के लिए, स्त्री के लिए सदा कोई संरक्षक रहेगा तो उसका जीवन सदा सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम अपने बल पर हैं, हम अपने बल बूते पर सब कुछ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उसे पुरुष का संरक्षण प्राप्त हो तो वह उसके जीवन के लिए और अच्छी बात है और उसके जीवन को और उन्नत बनाएगा। आज आप देखते हैं रोज समाचार पढ़ते हैं कि नारी स्त्रियां समर्थ हैं और वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ कितना अन्याय है, काट करके खा लिया और फिर अन्याय की घटनाएं हुई। अगर कितनी ही सामर्थ्य थी तो ऐसी घटना क्यों हुई? कहीं ना कहीं प्रकृति ने पुरुष और नारी में जो भेद बनाया है उस स्थिति में नारी अबला है, यहाँ के ज्ञान की दृष्टि से वो कितनी समर्थ हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं उसे सहयोगी की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। आज भी वो दुर्घटनाएं बंद नहीं हुई, समाज कितना आगे चला गया लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं रोज सुनी जाती हैं। क्यों सुनी जाती हैं? क्योंकि निसर्ग ने, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उस नियम का हम पूर्णतया उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता का संरक्षण, भाई का संरक्षण, पति का संरक्षण, अपने पुत्र का संरक्षण नारी को प्राप्त हो उसका जीवन और भी दिव्य और उन्नत होगा, सुरक्षित होगा, सुव्यवस्थित होगा। शाळेमध्ये तुम्ही सगळेजण निबंध लिहिता की निसर्ग श्रेष्ठ की मानव श्रेष्ठ, आणि शेवटी आपला धोका पूर्ण होतो की निसर्गाकडेच, कारण निसर्गाच्या पुढे कोणी मानव हा जाऊ शकत नाही हे सत्य आम्ही निबंधामध्ये ऍक्सेप्ट करतोय। तर मुलीने देखील ही जी मर्यादा आहे निसर्गाची ती मर्यादा आपल्याला सांभाळून घेतली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपलं आचरण आणि स्वतंत्र, जैसा की स्वामीजीने बताया कि आत्मनिर्भर होना, बराबरी करना या हर क्षेत्र में काम करना, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो नेचर की, जो निसर्ग की, जो कुछ हमारे साथ लिमिटेशन है उसको भी हमको समझ के लेना चाहिए। स्वामी जी, इसी प्रश्न को लेकर एक प्रश्न आया है कि लिव इन रिलेशनशिप, यह संकल्पना समाज में, बड़े सिटी में, ये पहले विदेश में थी, विदेश से भारत में आई, मेट्रोज में आई, अब मेट्रो के बाद में अब हम हमारे छोटे कंपनी में भी यह आ रही है। तो इस समस्या के बारे में आप क्या संदेश सबको देना चाहते हैं? ये समस्या भारतीय समाज के लिए और विशेष करके हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इस समस्या को हमने विदेश से आयात किया है, ये विदेशी संस्कृति का संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में जो आ रहा है ये हमारे लिए खतरे की घंटी है और इससे हमें बचने की आवश्यकता है। जहाँ तक प्रेम की बात है तो प्रेम को संपूर्ण प्रकृति से करना चाहिए, सबको अपना समझना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उदार चरितार्थम वसुधैव कुटुंबकम्, उदार चरित प्राणी जो सारी वसुधा को अपना मानता है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सामाजिक मर्यादा है उन मर्यादाओं का भी हमें पालन करना चाहिए और हमारे लिए मर्यादाओं का भी बहुत बड़ा महत्व है। केवल अगर इस संबंध को हम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए और अपनी सुविधा की दृष्टि से देख कर अगर ऐसे संबंध हम रखते हैं और इन संबंधों को हम जीवंत करते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से हमारे अन्य संबंध टूट जाएंगे और हम उच्छृंखल हो जाएंगे और उच्छृंखलता का परिणाम हमारे संस्कारों का नाश होगा। संबंध ये जो संबंध है, इस संबंध को लेकर हमारे यहाँ कहा गया कि जब तक सामाजिक बंधन में हम न बंधे तब तक हमें ऐसे संबंधों से दूर रहना चाहिए।
ऐसे संबंधों में निर्वाह की गारंटी नहीं होती। आज संबंध चल रहा है, कल हमारा मन नहीं माना, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो जीवन में आप किसी को अपना नहीं बना पाएंगे और एक दिन आपके जीवन का वो काल आएगा। मैं इस आदमी से कहता हूँ कि आप अपने को अकेला पाएंगे और उस स्थिति में आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए अपनी जो मर्यादा है उस मर्यादा के अनुकूल ही संबंध हम रखें और वह संबंध वैवाहिक संबंध ही हो। ऐसे संबंधों को हम तिलांजलि दें, ऐसे संबंधों से बचें, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं समाज में अभिशाप बनकर के आती हैं। पहले ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयानक है। तो यह एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे समाज के लिए और उसके जो परिणाम है वो भी कितने भयंकर है। हम बोलेंगे स्वामी जी को तो कई ग्रंथों उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन समय के पवन की वजह से हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। स्वामी जी, बच्चों ने में से किसी ने पूछा है, रावण अच्छे राजा थे क्या? श्री रावण राजा को सारे वेदों की जानकारी थी क्या? तो मैं थोड़ा इसमें स्वामी जी का समय न लेते हुए मैं बता दूंगा कि रावण एक इस दुनिया के बहुत बड़े बुद्धिमान थे। जितना वेदों का, संस्कृत का या जो ज्ञान उनको था वो शायद किसी को नहीं था। इतने बड़े वो विद्वान थे रावण, और वेदों की भी जानकारी भी उनको बहुत थी, लेकिन सिर्फ उसमें उनमें एक कमी थी कि अभिमान लगा था। जब आदमी में अभिमान आ जाता है तो वो उसके विनाश का कारण बन जाता है, और इसीलिए रावण का इतना अच्छा होते हुए, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुलित थे रावण, बराबर है समझो, ब्राह्मण कुलित थे, इतने वेदों के पाठक थे, फिर भी उनका विनाश हुआ केवल उनके अहंकार के वजह से। और एक प्रश्न आगे पूछा गया स्वामी जी कि क्या आपने भगवान को देखा है क्या? और क्योंकि मेरा अनुमान है कि इंसानों में ही भगवान होते हैं, स्वामी जी ने थोड़ी देर पहले जब संबोधित किया था हम लोगों को तो उसी समय उन्होंने बताया था कि कई बातें तर्क पर हमको मान लेनी चाहिए, हर बात को हम परख के या देख के उसको मानते हैं ऐसा नहीं होता है। तो भगवान को देखा तो वैसे उल्लेख बहुत है, मतलब अभी अभी कितने संत हमारे यहाँ 100 साल पहले 200 साल पहले 300 साल पहले ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, कितने बड़े बड़े लोग होके गए हैं, संत होके गए हैं जिनको प्रत्यक्ष भगवान मिले हुए हैं। आप ये पढ़ेंगे आगे आगे धीरे, जैसे आप बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा। और दूसरा प्रश्न है कि इंसानों में ही भगवान होता है क्या? तो मेरे ख्याल से भगवद्गीता में स्वयं कृष्ण ने बताया है कि ममय वाशो जीवनो के जीव भूत सनातनम, तो मैं ही हर एक आदमी का अंश हूँ, अंश के रूप में हर आदमी में विद्यमान हूँ। तो भगवान तो नहीं, अपने इंसान में ही भगवान है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछे ने किया, क्या भगवान को किसी ने देखा है? और भगवान सबके अंदर है, तो भगवान परमात्मा को व्यापक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है और भगवान सर्वांतर यानी हम कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, एक एक वस्तु में विद्यमान है, यहाँ तक कि एक एक परमाणु में उनकी सत्ता विद्यमान है। लेकिन हम उनका अनुभव तब कर पाते हैं जब वो प्रकट रूप में अपने संकल्प से किसी प्रकट रूप में हमें दर्शन देते हैं। इसका उदाहरण आप ऐसे समझ लो जैसे हवा तो सब जगह विद्यमान है लेकिन आपको गर्मी लगेगी तो उस गर्मी को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और पंखा लेकर के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो हवा तो सब जगह विद्यमान थी लेकिन उस हवा को आपको प्रकट करना पड़ा तब उसका अनुभव आपने किया। वो हवा वहां पहले थी, उस पंखे ने हवा को पैदा नहीं किया लेकिन पंखा चलाने पर वो हवा आपको लगी तो आपको शीतलता का अनुभव हुआ जबकि हवा वही विद्यमान है। तो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, हमारी भक्ति और उपासना के द्वारा जब हम उसका अनुभव करते हैं यही परमात्मा का दर्शन कहलाता है। तो ये तो कहने से नहीं होगा, करने से होगा, जब हम कुछ करेंगे तब होगा। जैसे उदाहरण, एक कोई व्यक्ति जा रहा था, उसकी गाड़ी पंचर हो गई और गाड़ी की हवा निकल गई। अब वो बेचारा खड़ा था, किसी व्यक्ति से पूछा यहाँ कहीं कोई दुकान है जहाँ हवा भरी जाए तो हवा मिले। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने, तार्किक व्यक्ति ने कहा, अरे हवा तुमको हवा की जरूरत है, हवा में ही तुम खड़े हो, सबसे हवा
जो मेरी गाड़ी में हवा भर गाड़ी चल रही है। उस व्यक्ति ने कहा, अरे हवा तो तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है, हवा न होती तो तुम्हारी हवा निकल जाती, हवा तो तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। तो ये भी बात सत्य है, हवा उसके अंदर विद्यमान है, अगर सांस भी करना आवे जावे हवा तो हम भी हवा हो जाएंगे, लेकिन उस हवा से गाड़ी नहीं चलती। उसी प्रकार परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हमारे आपके अंदर सर्वत्र व्याप्त नहीं, लेकिन उन परमात्मा का हम अनुभव करके वो सुख प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन जब वही हवा एक मशीन के द्वारा, एक साकार मशीन के द्वारा, मशीन को साकार हो तो साकार होता है, एक साकार मशीन के द्वारा, एक साकार पाइप के द्वारा, उस साकार पहिए में जब हवा आती है तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। उसी प्रकार जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर आपके अंदर है, उसी को हम शास्त्र की विधि से, आचार्यों के उपदेश से जब साकार रूप में अनुभव करते हैं और उसकी भक्ति करते हैं, तब वही परमात्मा हमारे सामने साकार होकर के प्रकट होता है, तब हम उसका अनुभव कर पाते हैं, उसका दर्शन कर पाते हैं, तब हमारे जीवन की गाड़ी चल पड़ती है। इसी अर्थ में तुकाराम, नामदेव, विट्ठल जैसे संतों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने परमात्मा का अनुभव किया है। तो परमात्मा को देखा जाता है, अनुभव भी किया जाता है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है कि आप तर्क करें कि हमने परमात्मा को नहीं देखा, हमको दिखा दो, तो ये किसी कृपा का विषय नहीं है, इसके लिए साधना और उपासना की आवश्यकता होती है। स्वामी जी, इसी संदर्भ में एक प्रश्न है कि हमारे भगवान अलग अलग क्यों है, या 36 कोटि देवता क्यों हम बोलते हैं, या है 33 कोटि। तो मैं स्वामी जी का समय न लेते हुए मैं इस पर बताना चाहता हूँ कि भगवान तो एक ही है, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जो भी शक्ति है वो सब एक ही है, ये सब देवता, देवी देवता, ये तो सब उनके परिकर है, लेकिन सर्वोच्च, सबसे ऊंचे, सबसे मुख्य जो है एक भगवान ही होते हैं। स्वामी जी, अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया, मोबाइल, इनका प्रभाव और उसकी उपयोगिता को लेकर युवा पीढ़ी को उसमें कैसे संतुलन करना चाहिए, या अपने पर कैसे नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आज मोबाइल, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है, उसका सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। ये हमारे विचार पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु का हम कितना सदुपयोग करते हैं और कितना दुरुपयोग करते हैं। अगर हम उसका सदुपयोग करें तो हमारे लिए मोबाइल और सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, खराब नहीं। उसका हम सदुपयोग करें तो जीवन में और भी उन्नति कर सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और समाज में बहुत कुछ ले सकते हैं और समाज के लिए आदर्श भी बन सकते हैं। परंतु अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो दुरुपयोग का परिणाम भयानक होता है। ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, क्योंकि जहाँ कहीं कोई वस्तु होती है इस संसार में, ये संसार ही गुण और दोष से बना होता है। आप ये कहें कि सर्वथा केवल गुणों ही हो, ऐसा नहीं है, दोष और गुण दोनों को मिला करके ही परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। रामायण में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता ने, परमात्मा ने इस प्रपंच में, प्रपंच माने विस्तार, पच विस्तारे, प्रपंच का मतलब होता है विस्तार। तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता ने इस प्रपंच को जब बनाया, ये प्रपंच माने विस्तार, ये संपूर्ण सृष्टि, इसमें गुण और अवगुण दोनों को मिला करके बनाया। पर कैसे मिलाया, उसे साना, सान दिया, जैसे दाल और चावल को भोजन करते समय एक दूसरे के सान देते हैं, दाल चावल को मिला देते हैं, कोई कहे दाल को अलग कर दो, चावल को अलग कर दो, टुकड़ा करते हैं। तो विधाता ने सृष्टि बनाई और बनाते समय गुण दोष दोनों को मिला करके बनाया। ऐसी स्थिति में हमें विवेक की आवश्यकता है कि हम कैसे सावधान रहें, हम गुण को ग्रहण करें और दोष से बचने का प्रयास करें, यही बुद्धिमत्ता का उद्देश्य है और यही सीखना है।
इसीलिए बुद्धि की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, विचारों की आवश्यकता है, सदग्रंथों की आवश्यकता है और सत्पुरुषों की आवश्यकता है। तो मोबाइल का, सोशल मीडिया का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है और होना भी चाहिए, लेकिन इसके जो नकारात्मक पक्ष हैं उससे हमें बचने की आवश्यकता है। उससे एक प्रकार की मानसिक विकृति उत्पन्न होगी और मानसिक विकृति आपको पतन की ओर ले जाएगी, इसलिए उससे बचने की आवश्यकता है और हम अपने विवेक और बुद्धि से ही बच सकते हैं और कोई उपाय नहीं। स्वामी जी, आजकल देखा जा रहा है कि ये स्पर्धा का युग है और परीक्षा का इतना टेंशन बच्चों पर है, उनके दिमाग पर। वैसे तो आपने आपके संबोधन में थोड़ा सा उस विषय को टच किया था, फिर भी ये बहुसंख्यक विद्यार्थियों का प्रश्न है कि जो डिप्रेशन आता है जिसके वजह से आत्महत्या जैसे कदम उठाने के नौबत आ रही है बच्चों के ऊपर, तो उसमें मानसिक संतुलन को कैसे हमको बनाए रखना है और इसको कैसे फेस करना है, कैसा इसको मुकाबला करना है? आज के इस स्पर्धा के रूप में हम बड़ी ऊर्जा के साथ स्पर्धा में आगे बढ़ते हैं और प्रतिस्पर्धा की पंक्ति में दौड़ते हैं, लेकिन जब असफलता मिलती है अथवा हम कहीं टूट जाते हैं तो अवसाद में चले जाते हैं और हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाता है, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि हमने कर्म करते हुए ये मान लिया कि हमको ये निश्चित फल जरूर प्राप्त होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये मानव परतंत्र, हम आप परतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, इस बात को हमको आपको समझना होगा। कहीं न कहीं मानव परतंत्र है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी अपने वश में नहीं है, हम परतंत्र हैं। कब इस शरीर में भीड़ लगेगी, कब थकावट आ जाएगी, कब इसमें रोग उत्पन्न हो जाएगा, हमको आपको भी पता नहीं। ये शरीर भी हमारा परतंत्र है, हमारे हिसाब से सब कुछ परतंत्र है, स्वतंत्र तो एकमात्र परमात्मा है। इसीलिए कहा गया परम स्वतंत्र से परतंत्र, भगवान परम स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। हम आप कहीं न कहीं परतंत्र हैं उस परमात्मा के और अपने कर्मों के और परिस्थितियों के, हम काल के परतंत्र हैं, परिस्थिति के परतंत्र हैं, परमात्मा के परतंत्र हैं, जीव पूर्ण रूप से कहीं स्वतंत्र नहीं। परवश जीव स्वस्थ भगवंता, जीव अनेक एक स्थितंता। तो ये परवशता जो हमारी है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो कहते कर्म तो करो, किसी का उत्तर गीता में भगवान ने दिया, कर्मण देवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित। आप पूरे उत्साह से प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हों, आगे बढ़ें, काम करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करें, लेकिन इसके बाद भी अगर वह प्राप्त नहीं होता है तो आप कहीं कहीं अपने मन को समझा लें कि शायद ये मेरे प्रारंभ में मेरे भाग्य में नहीं। अभी भाग्य प्रारंभ की बात आई है तो कहेंगे कि ये भाग्य प्रारंभ में किसने देखा क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे आपके साथ जुड़ा हुआ है। अनेक जन्मों के संस्कार के कारण, अनेक जन्मों के कर्मों के कारण हमारे लिए ईश्वर ने जो नियत किया है वो हमें प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कर्मण देवाधिकार, कर्म में तुम्हारा केवल अधिकार है, फल तुम्हें प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए इसको विषय को, इस विषय को बुद्धि में न रखते हुए सच्चे मन से कर्म करना चाहिए और कर्म करने पर भी अगर हम सफल न हो तो पुनः प्रयास करना चाहिए और साथ में ही करना चाहिए और ये हमारे प्रारंभ से हमें प्राप्त होता है। इसके लिए कर्म के साथ साथ ईश्वर की कृपा का भी अनुसंधान करना चाहिए। हम कर्म करते हैं लेकिन ईश्वर की कृपा का अनुसंधान नहीं करते, इसलिए अवसाद में चले जाते हैं। एक उदाहरण आपको दे, समुद्र मंथन की कथा आप लोग जानते हैं, पौराणिक कथा है कि देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन का उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति। हम अच्छे और बुरे दोनों विचारों को लेकर के जीवन में चलते हैं, दोनों विचार आते जाते रहते हैं, बुरे विचार ही पशु हैं और अच्छे विचार ही देवता हैं।
और दोनों के मंथन से अच्छे और बुरे विचारों के संयोजन से हम संसार में सुख को ढूंढते हैं। सुख ही अमृत है और उस अमृत को पाने के लिए देवता और दैत्य ने संघर्ष किया, दोनों ने समुद्र मंथन किया और परिणाम हुआ कि समुद्र से अमृत प्रकट हुआ। लेकिन अमृत जब प्रकट हुआ वह अमृत केवल देवताओं को पीने को मिला, दैत्यों को नहीं मिला, जबकि पुरुषार्थ दोनों ने बराबर किया। दैत्यों ने भी उतना ही परिश्रम किया जितना परिश्रम देवताओं ने किया, कर्म दोनों ने किया लेकिन फल केवल देवताओं को मिला, दैत्यों को नहीं मिला। कारण क्या था? कारण यह था कि दैत्यों को अपने कर्म पर भरोसा था और देवताओं को अपने कर्म के साथ साथ भगवान पर भरोसा था कि भगवान कृपा करेंगे जब हम लोग तो कर्म का केवल भरोसा नहीं करें, कर्म के साथ साथ ईश्वर पर भी भरोसा करें। ईश्वर पर जब भरोसा होगा तभी आपको निश्चित फल की प्राप्ति होगी। परिश्रम करें कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा दिशा नष्ट होती है तब तक दया पाने जब तक निकलता नहीं है। तो जब तक भगवान की दया का संयोजन हो तब तक केवल परिश्रम करने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ईश्वर पर भी भरोसा करके चलना चाहिए, यही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। स्वामी जी कहते हैं कि हर आदमी दौड़ में भाग रहा है, क्या है पूछते हैं तो काम है काम है। कुछ बच्चे कुछ पालक भी ऐसे उठ के काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे काम काम में आप भी काम से निकल जाओगे परमानेंट ज्ञान इसमें से। तो कृपया थोड़ी देर शांतता बनाए रखिए, आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम है बहुत परिश्रम, इसके लिए लातूर के सभी ग्रुप ने यहाँ के युवाओं ने बहुत परिश्रम से ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जीवन से महत्वपूर्ण है। तो कृपया शांति बना के रखें और अगले प्रश्न की ओर बस थोड़ी देर में। वैसे भी स्वामी जी का बहुत व्यस्तता है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने को समय दिया है। स्वामी जी एक प्रश्न है कि लातूर यह एजुकेशन हब है, जैसे भारत में कोटा माना जाता है उसी तरह हमारे महाराष्ट्र में या दक्षिण यहाँ पर बोलेंगे कि लातूर पैटर्न बोला जाता है। तो जो आज की शिक्षा पद्धति चल रही है, जो हम देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी क्लासेस और सुविधाएं बच्चों को मिल रही है और जिसके लिए खूब डोनेशन और फीस भी देनी पड़ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे स्वामी जी? और हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति क्या थी और इसका उसका कैसे मेलजोल हो सकता है? आज की शिक्षा पद्धति जो है ये अर्थ पर निर्भर करती है। सरकारें कहती हैं कि सभी पढ़ो सभी पढ़ो, ये नारा दिया जाता है, शिक्षा सबके लिए है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी हमारी शिक्षा पद्धति में खामियां हैं और कमियां हैं। और वो कमी ये है कि शिक्षा को धन के अधीन कर दिया गया है। आज जो अर्थ संपन्न है धन संपन्न है वह व्यक्ति अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकता है और जिसके पास अर्थ नहीं है धन नहीं है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है। जबकि हमारे ऋषियों की मान्यता थी कि शिक्षा को निःशुल्क होना चाहिए, सशुल्क शिक्षा ही समाज में विषमता उत्पन्न करती है और निःशुल्क शिक्षा ही समाज में समानता और समरसता की स्थापना करती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कभी सशुल्क शिक्षा का ध्यान नहीं किया। गुरुकुल थे, बड़े बड़े गुरुकुल चलते थे लेकिन किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए किसी को कोई फीस नहीं देनी पड़ती। गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता था, अमीर का भी बच्चा पढ़ सकता। जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उसी गुरुकुल में सुदामा जैसे गरीब भी पढ़ते, उनको भी इसी में पढ़ाया जाता। ऐसा नहीं था कि गरीबों के लिए अलग विद्यालय हो जहाँ पर वो मिड डे मील खाएं और अमीर के बच्चे जाकर के गवर्नमेंट में पढ़ें, ऐसी व्यवस्था नहीं। शिक्षा सबके लिए समान थी और शिक्षा होता है उसे नर होता है। विद्या का विक्रय करना विद्या को अपराध माना गया। अपने संबोधन में
मैं भी शुरुआती दौर में पढ़ने के बाद विद्यालय में अध्यापक हुआ और कुछ ही दिन मैं अध्यापक कर सका। मेरे विद्या आज विद्या बिक रही है और बिकने का परिणाम यह है कि जो संपन्न है वो खरीद रहे हैं और जो संपन्न नहीं है वो वंचित हो रहे हैं। वो बड़ी विचित्र और बड़ी ही सुंदर शिक्षा पद्धति थी। आज भी वो शिक्षा पद्धति अगर अपनाई जाए तो सबके लिए समान शिक्षा होगी, सभी पढ़ेंगे और सभी बढ़ेंगे। आज तो विद्या को शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय बना दिया है। इस व्यवसाय की शिक्षा से अज्ञान की निवृत्ति, मानवता का निर्माण वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय बन गया और शिक्षा देने वाले कौन है? उन्हें सरकारी नौकर अथवा संस्थाओं के नौकर, क्योंकि उनको नौकरी करनी। हमारे गुरु जी एक बात के कहा करते थे कि नौकर से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को अधिकतम नौकरी करा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकती। इसलिए गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को जगत गुरु बना देती है। कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण ने गुरु से विद्या प्राप्त की इसलिए कृष्ण जगत गुरु हुए। भगवान राम ने गुरु से शिक्षा प्राप्त की इसलिए भगवान श्री राम जगत गुरु शास्त्री। और जब हम इस भावना से पढ़ते हैं कि पढ़ाने वाले नौकर हैं, इनको नौकरी कर रहे हैं, इनको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, इन सारी भावनाओं से युक्त होकर के जब हम पढ़ते हैं तो वो शिक्षा हमें केवल नौकरी तक सीमित कर देती है, इससे ज़्यादा सोचने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती। तो आज की शिक्षा में कहीं ना कहीं खामियां हैं और इसे दूर करने की आवश्यकता है और ये विचारों के द्वारा ही दूर होगा। हमको आपको विचार करना होगा और हमारे जो चिंतक हैं, जो समाज के नियमों का निर्धारण करने वाले लोग हैं, उनको भी इस विषय पर विचार करना होगा और निश्चित रूप से हम तब शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अज्ञान की निवृत्ति है और वो अज्ञान की निवृत्ति कभी होगी। अस्तु स्वामी जी, अनेक प्रश्न विद्यार्थियों से अभी भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी भी व्यस्तता और विद्यार्थियों की भी आगे क्लासेस है कुछ की वजह से एक हाथ दूसरे प्रश्न पूछाऊँ। अली बताइए कि एज पर गूगल हमारा आजकल हर बात के लिए गूगल ही सहायक है, तो गूगल ने बता रहा है कि तकनीक सबसे प्राचीन लैंग्वेज है और हम मेरे हिसाब से या तमिल भाषा या लैंग्वेज और संस्कृत है या तमिल है, बस इतना ही। देखो गूगल का ज्ञान पूर्ण प्रामाणिक ज्ञान है ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि गूगल में जो कुछ ज्ञान हमको मिलता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा ही उसमें डाला गया है, अपने से वो ज्ञान प्रकट नहीं है। अगर डालने वाले व्यक्ति ने सही ज्ञान नहीं दिया, सही चीज उसमें नहीं डाला, तो गूगल आपको नहीं बताएगा जो उसमें डाला गया। इसलिए गूगल को बहुत प्रामाणिक हम मानते हैं। गूगल जो कहेगा वही बात करते हैं, गूगल कोई भगवान तो है नहीं। इसलिए गूगल की हर बातें सही होने कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें जो चीज आप डालेंगे, जिस प्रकार का ज्ञान डालेंगे वही आपको समझ में आने को मिलेगा और डालने वाले हमारे आपके जैसे लोगों में शुरू होंगे। अब रही बात संस्कृत और तमिल की, तो संस्कृत और तमिल की दोनों भाषाएं अत्यंत प्राचीन है, जिससे संस्कृत भाषा देव भाषा है और संस्कृत भाषा अनादि काल से है और सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। इसका प्रमाण यही है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद आज भी संस्कृत में ही प्राप्त है और जितने हमारे सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं सब संस्कृत में प्राप्त हैं। और तमिल भाषा भी बहुत प्राचीन है, इसके प्रवर्तक अगस्त मुनि को माना गया है। हमारे भारत में द्राविड़ी संस्कृति जिसको कहा जाता है, द्रविड़ देश, द्राविड़ी संस्कृति के प्रवर्तक अगस्त मुनि है और अगस्त मुनि के द्वारा ही तमिल भाषा का आविष्कार हुआ है। और जितने भी द्रविड़ देश में संस्कृति है, वहाँ का स्थापत्य है, वहाँ की वास्तुकला है, उस सब के प्रवर्तक अगस्त मुनि है। और इसका इतिहास है हमारे पुराणों में, थोड़ी सी बात कर करके इस विषय को पूरा करेंगे कि एक बार बड़े बड़े इतिहास को हमारे ऋषियों ने कहानी के माध्यम से कैसे सुरक्षित रखा, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। एक बार नारद जी आए और नारद जी ने आकर के विंध्य पर्वत से कहा
विन्ध्याचल पर्वत से कहा कि देखो तो इतने बड़े पर्वत हो लेकिन सूर्य भगवान तुम्हारा उल्लंघन करके चले जाते हैं और वही सूर्य भगवान जो है जब अस्ताचल की ओर जाते हैं तो वो मेरु पर्वत का उल्लंघन नहीं करते, मेरु पर्वत पर जाकर के सूर्य अस्त हो जाते हैं। ऐसी बात कहकर के नारद जी ने विंध्य पर्वत को उकसाया तो विंध्य पर्वत ने कहा तो मैं सूर्य का मार्ग रोक दूंगा। विंध्य पर्वत बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते विंध्य पर्वत इतना ऊंचा होने लगा कि सूर्य उसे पार कर सके, अतिक्रमण कर सके ये संभव नहीं था। देवताओं ने कार्य कहा तो उसी समय अगस्त महर्षि आए। अगस्त महर्षि का शिष्य था विंध्य पर्वत, तो अगस्त महर्षि आए और अगस्त महर्षि को देख करके विंध्य पर्वत ने साष्टांग प्रणाम किया। जब विंध्य पर्वत ने साष्टांग प्रणाम किया तो अगस्त मुनि ने कहा कि तुम किसी प्रकार लेटे रहो, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम इसी प्रकार पड़े रहो, मुझे प्रणाम करते हो। ऐसा कर करके अगस्त मुनि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चले गए और फिर लौट करके आज तक नहीं आए, क्योंकि जिस दिन वो आएंगे वो विंध्य पर्वत फिर खड़ा हो जाएगा। इसलिए विंध्य पर्वत विंध्याचल से लेकर के दक्षिण पर्यंत विंध्य की पर्वतमालाएं श्रृंखलाएं प्राप्त होती हैं। तो अगस्त मुनि ने दक्षिण दिशा को ही अपना स्थान चुन लिया और फिर अगस्त मुनि के द्वारा ही वहाँ की वास्तुकला, द्राविड़ी भाषा, तमिल भाषा, इन सारी भाषाओं का विस्तार हुआ है। तो तमिल भाषा भी अत्यंत प्राचीन है, लाखों वर्षों से है, लेकिन संस्कृत और तमिल की बात की जाए तो संस्कृत भाषा तो है भी देव भाषा है, देवताओं की भाषा है, देवलोक में भी संस्कृत ही बोली जाती है, ब्रह्मा की ये भाषा है, शंकर की भाषा है, विष्णु की भाषा है, वेदों की भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। इसलिए इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, इसके लिए गूगल से प्रमाण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे आखिरी एक प्रश्न स्वामी जी, क्योंकि एक बहुत छोटे से बच्ची ने पूछा है ये प्रश्न, इसलिए हम बहुत जरूरी समझते हैं आपसे पूछे कि उस बच्ची को वेद सीखना है और वेद वो कहाँ से सीख सकती है, और उसके साथ साथ में जो हमारा शिक्षण जो रेगुलर जो शिक्षा दी जाती है स्कूलों में वो भी वो साथ में ले सकती है क्या? वेद की शिक्षा के विषय में भी हमारी ये मान्यता है कि वेद की शिक्षा किसी गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। अपने मन से वेद पढ़ करके वेद के तत्व को, वेद के तत्व को कोई समझ नहीं सकता, तो वेद को जानने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है। अब रही बात गुरु के पास जाकर के कैसे हम वेद को पढ़ें, उसके भी बड़े नियम हैं, लेकिन वेद के तात्पर्य को, वेद के विषय को जानने का एक सरल और सुगम साधन ये है कि वेदों की ही व्याख्या रामायण है। यहां पर रामायण की कथा हो रही है, रामायण का मतलब वाल्मीकि जी की रचना जो रामायण है जिसको आदि काव्य कहा जाता है, और आदि काव्य क्या है रामायण, वो वेदावतार है, उसको वेद का अवतार कहा जाता है। जैसे भगवान अवतार लेकर के राम और कृष्ण के रूप में आए, उसी प्रकार चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार किया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो रामायण जो है ये वेदों का अवतार है, और अगर रामायण को माताएं पढ़ें, स्त्रियां पढ़ें, तो रामायण पढ़कर के वेद के संपूर्ण सिद्धांत को, वेदों में बताए गए धार्मिक सिद्धांत को और अच्छे ढंग से और सरलता से समझ सकती हैं, और इसके लिए पढ़ने के लिए किसी गुरु के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रामायण को ही घर में रखकर वाल्मीकि रामायण के प्रसंग को, उसके हिंदी अर्थ को, उसकी व्याख्या को पढ़ करके वो समझ सकती हैं, और जहाँ समझ में न आवे तो अपने से बड़ों से और जिनको उस विषय का ज्ञान है उनसे परामर्श भी कर सकती हैं। तो ये सरल उपाय है वेदों को जानने के लिए, वेदों की व्याख्या जो रामायण के रूप में है उस रामायण को पढ़ करके वेदों का ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए किसी गुरु के पास और किसी गुरु में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी वैधानिक शिक्षा जो है, जो औपचारिक शिक्षा है, उस शिक्षा को प्राप्त करते हुए भी वेदों के तत्व को, वेद के मार्ग को जाना जा सकता है और समझा जा सकता है।
समय की पाबंदी की वजह से हम लोग यहीं पर हमको रुकना पड़ रहा है। अनेक सैकड़ों प्रश्न आए हुए हैं लेकिन अभी नहीं ले पाएंगे। स्वामी जी के साथ में आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब की चैनल है उनकी, यूट्यूब के स्वामी राघवाचार्य। तो आप यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और मेरे को एक रिक्वेस्ट करनी आप सबको कि बहुत समय अपना नहीं डालते हुए आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो स्वामी जी के बहुत छोटे छोटे रील्स, जो आज की आपकी भाषा में जो रील्स और छोटे छोटे क्लिप्स है, वो आप देखते रहिए ताकि ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अनायास मिलते जाएंगे। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के विषय की ओर जाते हुए भाईती जी को हैंडओवर करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं श्रद्धेयवर, आपने हम सबको ज्ञान की पावन गंगा में स्नान कराया। संस्कृत सुभाषितकार ने बहुत ही खूब लिखा है, ग्रंथार्थस्य परिज्ञानम तात्पर्यार्थ निरूपणम अत्यंत मध्य व्याख्यान शक्ति शास्त्र विदो गुणः। यानी जब गुरु अपने ज्ञान को लुटाता है सारा जहां आनंदित हो जाता है, गुरु पर जो रखता है आस्था हर संकट में वो पा जाता है रास्ता। आपने हमें ज्ञान का भंडार सौंप कर भविष्य के लिए तैयार किया है। धर्म, उपनिषद, वेद, वेदांत की सरल सुबोध व्याख्या कर आपने नई पीढ़ी को चेतना दी है। सुंदर ज्ञान समारोह के आभार ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर संजय जी मुनपाले को मैं आमंत्रित करता हूँ। तत्पूर्वी मैं आपको एक दो छोटी छोटी सूचनाएं दे रहा हूँ। कार्यक्रम बिल्कुल 5 मिनट में समाप्त होने वाला है, कृपया आप अपनी जगह से न हिले। बाहर जाते हुए आपको प्रसाद लेकर जाना है। सबसे पहले महाराज जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, इसके पश्चात आप अपनी जगह छोड़ेंगे। आभार प्रदर्शन के बाद एक इतनी शक्ति हमें देना ज्ञाता यह गीत श्रवण होगा और इसके पश्चात ही कार्यक्रम की समाप्त होगी। डॉक्टर अजय जी कुटवाले, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ है और हमें हमारे बहुत सारे जो दैनंदिन जीवन के प्रश्न हैं उसके बहुत ही सहज, सरल और सुंदर उत्तर स्वामी जी ने हमें दिए हैं। स्वामी जी, आपको जैसे बताया गया है कि लातूर यह जो है, ये सब यहाँ पर विद्यार्थी जो बैठे हैं, तो यहाँ पर लातूर पैटर्न बड़ा फेमस है और हर साल कम से कम 2500 डॉक्टर्स यहाँ से बनते हैं, MBBS के लिए एडमिशन्स होते हैं और उससे कहीं ज़्यादा संख्या से इंजीनियर भी बनते हैं। जैसे राजस्थान में कोटा यह बहुत प्रसिद्ध है, तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में लातूर यह शिक्षण का केंद्र माना जाता है। तो इस लातूर पैटर्न में आज आपने अध्यात्म जोड़ के एक नया आध्यात्मिक लातूर पैटर्न बनाया है, ऐसे में कहूँगा। आज इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए यहाँ के जो विद्यार्थी आए हैं, सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इन विद्यार्थियों को अलग अलग कॉलेज और क्लासेस से लाए गए हैं। समय कम रहने के वजह से मैं सिर्फ सब कॉलेज और उनके कोऑर्डिनेटर्स का यहाँ पर उल्लेख करता हूँ। जैसे दयानंद कॉलेज, शाहू कॉलेज, मांद्रा आयुर्वेद कॉलेज, MDA कॉलेज कोरबा, विश्वेश्वरैया कॉलेज अलमला, बिडवे इंजीनियरिंग कॉलेज, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, पुरनमल लावटी कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड वुमेंस गवर्नमेंट कॉलेज। और क्लासेस में विद्या आराधना क्लासेस, RCC क्लासेस, नेटिजन्स, IIT और कई, अगर मैं कुछ के नाम अगर भूल रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए। और इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए कुछ युवकों ने, मेरे मित्रों ने सहकार्य किया है। कुछ लोगों का मैं यहाँ पर नाम विशेष तौर पे लेना चाहता हूँ। ओम प्रकाश धुरे सर, अभिषेक मुंदड़ा, रामजी भुतड़ा, सचिन जी मालू, श्याम जी भट्टर, शिरीष जी कुलकर्णी, रितेश और राहुल लोया, योगेश और पप्पू करवा। तो सभी का मैं अपने मन से, हृदय से यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष आभार श्री प्राध्यापक गोपाल जी बाहेती का, जिन्होंने इतना सुंदर सूत्र संचालन किया। और सबसे आखिरी विनती है कि हमें अभी यहाँ पर एक गीत गाना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, और उसी के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से विनती है कि बिल्कुल शांतता से आप
यहाँ से हॉल से धीरे धीरे निकलना है। जाते समय सब विद्यार्थियों ने सर्टिफिकेट और प्रसाद ये लेके ही जाना है। सर्टिफिकेट बाहर निकलते समय बाहर के काउंटर पर है,